Thank <laughs> you. हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है मैं उन्नीस चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की और किधर थे आप कल मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी था थोड़ा सा मेरी मॉम की तबीयत खराब थी मम्मी एंड इसलिए मैं आपका कल क्लास नहीं ले पाया था अब ओके okay है और अब भी क्लास लेंगे और शाम को जो आपकी क्लास था लाइव टेस्ट वाला वो लाइव टेस्ट थ्री भी हम कम्प्लीट करेंगे ठीक है आज मैं आपका जो पूरा पूरा स्टील है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा मेरे पास ट्वेल्व पेजेस हैं इन ट्वेल्व पेजेस के अंदर मैंने पूरा का पूरा स्टील जहां से क्वेश्चन बन सकता था जहां से मुझे लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसको छोड़ देते हैं या इनसे क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे लिख के लाया हूँ बस आपको ध्यान से सुनते जाना है जैसे हम एक कथा सुन रहे हैं ठीक है थीके? वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था सर अभी तक उसका नहीं मिला है कुछ आंसर ठीक है अकीा ने मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन मैं क्वेश्चन देख के आपको जवाब देता हूँ फिर ना मैं आपको जवाब आप दूंगा वहीं पे दूंगा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं क्लास देखो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर की बात करूं मैं तो आपके पास एक इफेक्ट होता इसको हम बोलता है हम बोलते हैं इफेक्ट जब भी आप टेंशन मेंबर को पढ़ेंगे तो उसमें एक शियर लेग इफेक्ट होता है ऐसा क्या होता है ये इफेक्ट देखो मेरे पास क्या होती है मान लो कि मेरे पास ये गजर प्लेट है ओके और इससे ये कनेक्टेड मेंबर है और ये आपका आउटस्टैंड लैग है इसका ये बाहर वाला लेग है जो इससे कनेक्टेड नहीं है तो क्या होता है जब इस पे हम ऊपर से लोड को ऐड कराते हैं तो इस लोड की वजह से क्या होगा कि जो आपके पास स्ट्रेस का यूनिफॉर्मिटी रहेगा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो गजट प्लेट के साथ जो कनेक्टेड वाली लैग है उसमें आपका यूनिफॉर्म हो सकता है लेकिन आउटस्टैंड लैग के अंदर वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है और उसी इफेक्ट को हम शियर लैग इफेक्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं शियर लैग इफेक्ट बोलेंगे और देखो यहाँ पे कि नॉन यूनिफॉर्म स्टेनिंग ऑफ अ मेंबर ड्यू टू द टेंशन एफिशिएंसी ऑफ अटेंशन मेंबर कंपोनेंट डिक्रीजिस एंड नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गजट प्लेट तो इसको हम शियर लैग इफेक्ट बोलते हैं तो यहाँ से पूछे कि शियर लैग इफेक्ट क्या होता है तो आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ द मेंबर मेंबर के अंदर नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग रहती है यदि मैं इसका यूनिफॉर्मिट बनाऊँ तो इसका मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा लेकिन यदि मैं इसका बनाऊँ तो ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा ऐसा, ऐसा बन सकता है ठीक है तो मतलब क्या हुआ इसके अंदर कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो पहला क्वेश्चन आंस बनेगा कि आपको पता चाहिए शीयर लैग क्या होता है दूसरा द इफेक्ट ऑफ शियर लैग एग्जिस्ट एट द कनेक्शन ओनली जहां पे भी कनेक्शन होता है वहीं पे, जहां पे भी आपने बोल्ट कनेक्शन किया हो या रिवेटेड कनेक्शन किया हो उन सभी में ये शियर लैग इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं ठीक है यदि आपके पास दूसरे कनेक्शन रहेंगे या आपके आपने इसको टाइड किया है या मेंबर आपका पूरा यूनिफॉर्म है तो उनमें शीयर लैग इफेक्ट नहीं होता है अब उस शीयर लैग इफेक्ट को रोकने के लिए ही हम लग एंगल को यूज करते हैं ठीक है कोई आपसे पूछेगा कि बताओ कि शियर लेग के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं तो वी आर यूज द लग एंगल लग एंगल मतलब क्या होता है लग एंगल मतलब ये होता है कि जो आपके पास ये वाला मेंबर है देखो ध्यान मैम रहते हैं गजर्ट प्लेट है ये मेरे पास आपका कनेक्टेड लेग है और ये आपका आउटस्टैंड स्टैंड लेग है तो क्या करते हैं जो ये आउटस्टैंड स्टैंड लेग है इसको भी कनेक्ट कर देते हैं एक प्लेट से ठीक है और ये तो पहले से कनेक्ट है ही तो क्या होता है उससे उसकी वजह से क्या रहेगा कि जो स्ट्रेनिंग रहेगी वो यूनिफॉर्मिटी में आ जाएगी और वहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो लिखा हुआ है सोल्यूशन टू द शियर लैग स्मॉल गजट प्लेट से क्या करेंगे जोड़ देंगे जिससे कि जाए बात हमें सभी को चलिए हम बात करते हैं मैक्सिमम सिलेंडर स्टेशों की यहां से एक क्वेश्चन बनते हैं कई बार पूछा गया आपसे कि यदि आपके पास कंप्रेशन है तो मैक्सिमम सिलेंडर जो आपका एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम मिनिमम अंडर रूट आई बाई ए होती है बात समझ में तो इसकी वैल्यू 180 होती है इन द केस ऑफ कंप्रेशन फॉर टेंशन मैक्सिमम वैल्यू आपकी 400 हो सकती है क्या हो सकती है 400 हो सकती है ओके okay, दूसरा हम बात करेंगे फॉर अ टेंशन सब्जेक्टेड टू लाइव लोड मान लो कि आपके पास टेंशन मेंबर है और उसमें लाइव लोड की वजह से रिवर्सन हो सकता है रिवर्स ऑफ द स्ट्रेस हो सकती है तो उसके लिए भी आप 180 को टेकन इनटू अकाउंट करेंगे अब यदि ये आपका कंप्रेशन मेंबर के अंदर होता और उसमें विंड और लोड की वजह से ये इफेक्ट हो रहा है तो उसमें आपका ये वैल्यू टू हो जाता यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है तो प्लीज वन मार्क्स पक्का करो यहां से वन मार्क्स पक्का करो ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे दूसरा टेंशन मेंबर में ये तो लाइव लोड की वजह से हुआ यदि ये आपका विंड और सैसमिक लोड की वजह से होता तो इसकी वैल्यू 350 होती है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं देखो कंप्रेशन में टू रहेगा टेंशन में आपके पास थ्री रहेगा ये बात आप ध्यान रखेंगे ओके तीसरा टेंशन मेंबर है उसमें आप सभी को दोस्त और लास्ट वाला हम बात करेंगे लेसिंग मेंबर के लिए लेसिंग मेंबर का डिजाइन में आपको बताऊंगा क्या होता है उसका सिलेंडरनेस सिलेंडर की वैल्यू याद रखेंगे वो आपकी 145 होती है पूछूं मैं आपसे एक बार बिना देखे बताइए इसे बिना देखे बताइए कि यदि आपके पास कंप्रेशन मेंबर है और उस कंप्रेशन मेंबर में आपके पास जो आप सिलेंडर इशो को चेक कर रहे हैं वो बाय द हेल्प ऑफ विंड और सेसमिक लोड की वजह से चेक कर रहे हैं तो बताओ सिलेंडर से कितना होगा बिना देखे बताइए बिना देखे मैंने इसको छुपा लिया है बिना देखे बताओ कि यदि मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक कंप्रेशन मेंबर है उसमें आपके पास रिवर्सल ऑफ स्टैसे ड्यू टू द सेस्मिक लोड एंड द अर्थक्वेक की वजह से हो रहा है तो बताइए उसमें सिलेंडर से कितना होगा टू फिफ्टी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि तो बच्चे यही गलती करते हैं वो सोचते हैं कि थ्री फिफ्टी होगा थ्री फिफ्टी नहीं होता है तो वो किसमें होता है वो आपका टेंशन मेंबर में होता है सबसे ज्यादा जो खतरा है ना इन सभी लोड में लोडिंग कंडीशन में जब आपके पास रेंडर रेशियो की वैल्यू कम होती है तो सबसे ज्यादा खतरा होता है तो यहां से पूछे कि यदि आपके पास सब मेंबर आपको दिए हुए हैं तो मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा जो खतरे वाला है मेंबर जिसमें आपके पास बकलिंग के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं तो वो तब होगा जब आपका सिलेंडर निर्देश काफी कम हो जाए तो किसमें कम हुआ है टेंशन मेंबर के केस में आपके पास कम हो सकता है ड्यू टू द लाइव लोड सबसे ज्यादा खतरा किसकी वजह से होता है लाइव लोड की वजह से होता है विंड सेस्मिक रिवर्सल ऑफ ड्यू टू द सेस्मिक लोड इन सभी वजह से इतना खतरा नहीं होता है लेकिन लाइव लोड की वजह से टेंशन मेंबर में आपके पास 180 रहता है सिर्फ सिलेंडर निर्देश ठीक है बात ध्यान रखेंगे इस बात को ये बात आप ध्यान रखेंगे फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अब बात करेंगे इलास्टिक थ्योरी फॉर डिजाइन डिजाइन की इलास्टिक थ्योरी क्या है तो टेंशन मेंबर में जो आपने कनेक्शन में पढ़ा वो सारा सेम है जो कनेक्शन मेंबर में आपने पढ़ा वो वो सारा सेम है है बस इसमें एक आता है, वो आपका आता है ब्लॉक शेयर फेलियर का कॉन्सेप्ट कि आपका जो प्लेट है वो आपका शेयर में भी फेल हो रहा है और आपका प्लेट बियरिंग में भी फेल हो रहा है तो उसमें क्या होता है ब्लॉक शेयर ब्लॉक शेयर जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं ओके अब हम बात करेंगे कि लास्ट थ्योरी में हम क्या करते हैं सबसे पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी को काउंटर करते हैं वो आपका एल्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय द वर्किंग स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा अब देखो क्या है यहाँ पे क्या हाँ होते हैं हम आपके यहाँ पे आपके पास चैन रिवेटिंग करेंगे चैन रिवेटिंग देखो कैसे होती है दिख रहा है ना सभी को मेरी राइटिंग कैसे लगती है देखने में बताओ राइटिंग मस्त लग रही है देखने में ये आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा इनको आप दो तीन बार रिवाइज करोगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएंगे अपने आप बहुत बच्चे पूछते हैं क्या पढ़ना है क्या एक बार इन रिवाइस करो फिर कोई भी बुक उठाओ और सबके क्वेश्चन लगा दो अपने आप सारे क्वेश्चन लग जाने हैं भाई अब बात करेंगे चेन रिवेटिंग की देखो क्या है कि मैंने यहाँ पे चेन रिवेटिंग को प्रोवाइड किया अब यदि मैं वन वन सेक्शन के अंदर इस वन वन सेक्शन के अंदर यदि मैं कैलकुलेट करूँ कि मेरा जो नेट एरिया रहेगा वो क्या रहेगा तो मैं क्या करूंगा कि इसका कितना विर्थ है वॉट इज अर्थ ऑफ दिस रिवेटिंग इस पूरे पूरे मेंबर का के मेरे पास क्या विर्थ है उसमें से इन तीन तीन जो होल है उनके डाया को माइनस कर दूंगा एंड थिकनेस ऑफ द मेंबर तो यहां से मैं ए नेट कैलकुलेट करता हूं तो क्या करते हैं हम इस अब क्या होगा इसमें स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी क्योंकि जितना नेट सेक्शन आपका ज्यादा रहेगा तो मतलब आपने पूरे सेक्शन के अंदर होल कर दिए हैं और होल सेक्शन से आपकी जो मेंबर की स्ट्रेंथ होती है वो घटती है वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था हम क्या करते हैं उसे बचने के लिए हम स्टैगर्ड बोल्डिंग करते हैं स्टैगर्ड बोल्डिंग से क्या होता है आपके पास स्टैगर्ड बोल्टिंग से यह रहेगा कि आपके पास क्या रहेगा कि जो वैल्यू है बीमा इसके एंडी नोट उसमें इसकी वैल्यू आ जाती है एस वन स्क्वायर फोर जी वन ठीक है तो क्या होगा ये जो एस वन स्क्वायर है ये आपके पास क्या है इन दोनों की डिस्टेंस है बीच में बिटवीन दैट पॉइंट पिच बोलते थे पहले अब इसको हम एस वन से डिनोट करते हैं ओके और ये आपके पास G1 और जी टू हो जाएगा जो मेंबर के पास ये ये डायरेक्शन में लोड यहां लग रहा होगा तो इस डायरेक्शन में आपका एस वन है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास G1 और जी टू है तो क्या होगा इस वाली कंडीशन में इस वाली कंडीशन में ठीक है उस वक्त इसमें क्या होगा कि यदि मैं ए नेट को कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू एस वन स्क्वायर बाई फोर जी वन और एस टू स्क्वायर बाई फोर जी टू से बढ़ जाएगी दैट मीन्स कि ये वाले जो स्टैगर्ड बोल्टिंग होती है इससे आपके मेंबर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है क्योंकि नेट एरिया काफी कम नहीं आएगा हम जो डिजाइन करते हैं पूरा पूरा मेंबर चाहे वो टेंशन मेंबर रहे वो नेट एरिया के लिए डिजाइन करते हैं ना यदि मैं आपकी कंप्रेशन मेंबर की बात करूंगा तो उसमें ग्रोथ एरिया के लिए डिजाइन करते हैं तो नेट एरिया में कौन सा लेंगे जो मिनिमम आएगा अब यहाँ पे क्या होगा यदि ज्यादा रहेगा तो इसकी स्ट्रेंथ आपकी काफ़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि मिनिमम मेजर रहेगा तो वो आपका फेल हो सकता है हो सकता है कि वो यहाँ से क्रैक बन जाए अब यहाँ पे यदि क्रैक देखो यदि यहाँ पे क्रैक बने तो बस इसको एक क्रैक बनना है फिर ये अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा लेकिन यहाँ क्या होगा यहाँ पे ऐसे क्रैक नहीं बन पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बोल्ट नहीं है आगे होल नहीं है तो आपकी प्लेट में स्ट्रेंथ रहेगी तो ये आपसे पूछे एग्जाम में आपसे कोई पूछे हाउ टू चेक द क्रिटिकल सेक्शन फॉर द फेलियर इन द स्ट्रैकिंग में जो हम स्टैगर्ड अभी याद कर रहे हैं तो उसमें भी हमको सेक्शन चेक करना ही, कौन है कौन सा सेक्शन रहेगा तो क्या करते हैं देखो कैसे करेंगे तो ये अच्छा पूछा है मैंने कल भी आपको क्वेश्चन करवाया इसे चेक करते हैं देखो सबसे पहले क्या होता है आप यहां पर चेक करो ठीक है तो आपके पास क्या आएगा नैट एरिया सिर्फ एक बोल्ट का आएगा फिर आप यहां पर चेक करो ठीक है तो दो बोल्ट आएगा और एक स्टैगर्ड आएगा फिर आप यहां पर चेक करो ठीक है जिनमें सबसे ज्यादा एरिया रहेगा आपके पास जिसमें आपके पास स्टैगन के अलावा भी यदि एरिया ज्यादा आता है उसी को हम क्या बोल देते हैं कि सेक्शन उसी को लेके चलेंगे जिसमें आपके पास सारे बोल्ट आ जाए तो स्टैगर्ड में केस करने का कर... यदि मैं लास्ट मेंबर ऐसा लूँ देखो लास्ट मेंबर आपका ऐसा लूँ ये लू ये लू ये लू और ये लू तो ये क्या होगा यही मेरे पास क्रिटिकल सेक्शन होगा क्योंकि इसमें ये वाला स्टैगर्ड भी आ जाएगा और ये वाला स्टैगर्ड भी आ जाएगा तो ऐसे हम क्या चेक करते हैं ऐसे हम क्रिटिकल सेक्शन को डिजाइन करते हैं ठीक है ऐसे हम आपके पास जो क्रिटिकल सेक्शन है उसको डिजाइन करते हैं एंड वी हैव टू वर्क ऑन दैट बात सुन रहे सभी को अब देखो लग एंगल का डिजाइन कई बार पूछा जाता है ठीक है वैसे आपका पूछने नहीं जाएगा पर ई एस सी में पूछ जाता है तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे देखो लग एंगल क्या होगा देखो आप देखिए पास ये कि आपके पास गजट प्लेट है दिस इज योवर गजट प्लेट तो हम क्या करेंगे एक लग एंगल को प्रोवाइड करेंगे जिसमें पी लोड एड कर रहा होगा और इस मेंबर को डिफरेंट टाइप के बोल्ट से एड कर देंगे इससे क्या होगा कि जो आपके पास आउटस्टैंड लैग है वो भी आपके गजट प्लेट से एड हो जाएगा तो मिनिमम आप कितने नंबर ऑफ बोल्ट को यूज करेंगे लग एंगल को डिजाइन करने के लिए मान लो मेरे पास क्या है ये सेक्शन है ये सेक्शन है ठीक है अब मेरे पास ये जो सेक्शन है ये तो मेरे ये गजट प्लेट है गजट प्लेट से वाला मेंबर तो कनेक्ट है पर ये वाला कनेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे यहीं पे एक ऐसे मेंबर को कनेक्ट करेंगे जो गजट प्लेट से ये आपका जो आउटस्टैंड लेग है ये भी कनेक्ट हो जाए तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ बोल्ट जो यूज करने पड़ेंगे फॉर द लग एंगल के लिए वो आपको भैया दो यूज करने पड़ते हैं ठीक है जिससे क्या हो कि जो आपके पास मेन एंगल है वो भी आपके गजट प्लेट से जुड़ जाए और पूरा पूरा जो मेंबर है उसके अंदर स्ट्रेनिंग यूनिफॉर्म रहे इसलिए हम आपके लंगल को प्रोवाइड करते हैं अब बात आएगी कि बै सेक्शन क्या रहेगा बै सेक्शन यदि आप यूज कर रहे हैं कि मैं कैसे यूज करूं कर हो सकता है कि मैं आपका आई सेक्शन यूज कर लूं ठीक है हो सकता है कि मैं आपके पास टैबुलर सेक्शन यूज करूं अब मेरे दिमाग में ये है कि यदि मुझे लग एंगल को बनाना है तो मैं किस टाइप के एंगल को डिजाइन करूंगा तो जितने भी आपके रोल्ड सेक्शन होते हैं रोल्ड स्टील सेक्शन होते हैं वो आपके बेस्ट रहते हैं फॉर द लग एंगल प्रॉपर्टी के लिए तो एग्जाम में यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे आप सब अपने आप जवाब दोगे आप सब अपने आप जवाब दोगे इस चीज का मैं आपसे दो चीज पूछूंगा कि मिनिमम नंबर ऑफ बोल्ट लग एंगल के लिए कितने यूज करेंगे तो आप बोलोगे दो दूसरा सबसे बेस्ट सेफ कौन सी होती है लग एंगल की तो आप बोलोगे कि भैया आपका जो रोड सेक्शन है वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है और तीसरा कि आपके पास हम लग एंगल एंगल का जो इफेक्ट है वो क्यों लेते हैं किसको रेमेडीज करने के लिए तो शियर लैग के इफेक्ट को काउंटर एक्ट करने के लिए उसको खत्म करने के लिए हम लग एंगल को प्रोवाइड करेंगे तो तीन क्वेश्चन बने और तीन क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे बात समय सभी को चलिए अब बात करेंगे आपके पास अब बात करेंगे कि यदि आ, क्या होता है कभी कभी क्या होता है यहीं से मेरे में कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में आए हैं जैसे कि आप पूछाता है कि बूम आपने पढ़ा है इज अ प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर ऑफ क्रेन क्रेन के अंदर एक बूम होती है जैसे मान लो कि ये मेरे पास क्रेन है ये मेरे पास क्रेन है तो यहाँ से एक तार ऐसे बना होता है और हाथ जाता है जिससे क्या होता है ये मेंबर को उठाने ले जाने मोड़ने के काम आता है तो उसमें कौन सा इस बूम जो ये बूम होता है इस बूम में कौन सा फोर्स ऐड करता है तो उसके अंदर आपका कंप्रेशन मेंबर कंप्रेशन फोर्स ऐड करता है ये बात ध्यान रखेंगे ठीक है और जितने भी आपके पास रूफ ट्रसेस होते हैं उनमें जो प्रिंसिपल राफ्टर होता है वो टॉप कोड ऑफ द मेंबर होता है मान लो क्या है कि यदि मैंने रूफ की बात करी ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आए थे तो मैंने यहीं पे लिख दिया इनको देखो ये मेरे पास क्या है मेरे पास प्रिंसिपल राफ्टर होते हैं और ये मेरे पास क्या रहेंगे ये वाला देखो जरा तो ये क्या होता है ये आपके पास मेन प्रिंसिपल राफ्टर होता है मेन प्रिंसिपल राफ्टर आपके पास ये रहता है और इनसे ही सारे सारे जो मेंबर होते हैं आपके पास रूफ कवरिंग मटेरियल वो आपके जुड़े होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं जो पर्लिन होता है पर्लिन को यहां पे लगाते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लीट जहां पे आपके मेंबर जुड़ रहे हो उनके जॉइंट हो वहां पे क्लीट के बेसिस पे हम आपके पर्लिन को जोड़ देते हैं तो पूछा जाता है आपसे कि जो प्रिंसिपल राफ्टर होते हैं, कहां पे होते हैं हैं वो पे लगे तो टॉप मेंबर इन्हें रूफ ट्रस्ट जितने भी रूफ ट्रस्ट होते हैं उनमें जो टॉप कोड मेंबर होते हैं वो आपके पास राफ्टर प्रिंसिपल राफ्टर उनको बोलते हैं ये बात ध्यान रखेंगे बात समय सभी को चलिए अब बात करते हैं आपके कॉम्बिनेशन की ठीक है देखो अब देखो क्या होता है कई बार आपके एग्जाम में आता है कि थ्री ए वन अपॉन थ्री ए वन प्लस के ए टू कब होता है और फाइव ए वन प्लस के ए वन प्लस के ए टू कब होता है मान लो क्या है कि आपने वेल्डिंग की तो बेसिकली ये जो आपके पास एंगल है ए वन और ए टू यह आपके पास क्या है जो गजट प्लेट से कनेक्ट वाला मेंबर है उसका एरिया और जो आपके आउटस्टैंड लैग का एरिया है उसका एरिया ये उसका होता है अब क्या होता है कि मान लो ए पेयर ऑफ एंगल इज वेल्डेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द गजट प्लेट मान लो क्या है कि गजट प्लेट ये है और इसमें आपने क्या किया कि अपोजिट साइड पे कनेक्ट कर दिए हैं ठीक है मान लो क्या ये आपके पास गर्ट प्लेट है तो आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया और दूसरे को आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो क्या होता है उस वाले केस में आपके पास जो नेट एरिया होता है उसको आप ऐसे डिजाइन करते हैं कि ए वन प्लस के Ka2 K के ए टू और जिसमें के की वैल्यू आपकी थ्री ए वन प्लस के ए टू थ्री ए वन प्लस के ए टू होता है ठीक है लेकिन यदि आपने टैक वेल्ड किया इफ यू हैव द टैक वेल्डिंग तो इसमें आपके पास जो एरिया रहता है ए नेट वो ए के बराबर हो जाता है और टोटल एरिया को हम टू ए के बराबर कर देते हैं दूसरा यदि ए पेयर ऑफ 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 बैक बैक टू द द सेम साइड गजट प्लेट मान लो कि ये मेंबर आपका ऐसे कनेक्ट हो जाता ऐसे कनेक्ट हो जाता ये मेंबर आपका एक कनेक्ट तो ऐसे है और दूसरा मेंबर आपका यहीं से ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाता तो क्या होता है ये आपके सेम साइड ऑफ गजट प्लेट पे कनेक्ट हो गए हैं तो यदि आपके सेम साइड ऑफ प्लेट पे कनेक्ट हो गए हैं तो फाइव ए वन फाइव एन प्लस ए टू से नेट एरिया को कनेक्ट करेंगे ये बात ध्यान रखेंगे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या रहे क्या रहेगा रहेगा तो आप बोलोगे अपोजिट अपोजिट यदि रहेगा तो थ्री और यदि आपका सेम साइड रहेगा तो फाइव ये बात आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो थोड़ी बातें रटनी वाली भी है तो प्लीज यू हैव हाँ टू तो अंडरस्टैंड ठीक है मैं सबको सोच चल रहा हूं कि सब कुछ आप पढ़ के आए हैं एक बार कि कहा यूज करते हैं टैग को कहां पर नहीं यूज करते हैं ओनली आई हैव माई पर्पज इज दैट कि यू हैव टू रिवाइज द समथिंग्स जो आप भूल चुके हैं पढ़ के उनको आपको याद दिलाना है कि भाई कुछ ऐसी मेंबर्स नहीं हैं ठीक बात समय आई सभी को मजा तो आ रहा है पढ़ने में ये चीजें इंपॉर्टेंट है भाई काफी बोलो जरा एक बार भाई बच्चे कमाए एक बार शेयर कर देंगे वीडियो को भाई बच्चे सोच रहे हैं मास्टर ने कभी छुट्टी मार ली मास्टर को पढ़ाया जीवना है एक दिन छुट्टी मारते एक दिन पढ़ा हुए बताओ रोज पढ़ा तो आए अभी चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट देखिए जरा ध्यान से हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग देखो जरा अब हम बात करेंगे कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं टेंशन मेंबर खत्म हुआ वहां पे टेंशन मेंबर में सारा सारा जो प्रोसेस है वो कनेक्शन जैसा ही है सिर्फ लंग एंगल का जो इफेक्ट है वो उसको मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है क्या नहीं होता है ठीक है और उसमें जो सिलेंडर इशू है उसकी बात की जाती है अब हम कंप्रेशन मेंबर की बात करेंगे तो कंप्रेशन मेंबर में कोलम और स्ट्रट में क्या डिफरेंस होता है कोलम में क्या होता है कोलम के केस में आपके पास कंप्रेशन मेंबर में फ्रेम में कंप्रेशन एंड बैंडिंग दोनों हो सकती है हो सकता है कि आपका लोडिंग है तो उसमें तो उसमें कंप्रेशन लोड ऐड करेगा ये ही और बैंडिंग भी हो सकती है लेकिन जो भी आपके पास स्ट्रट मेंबर होते हैं ठीक है जितने भी आपके पास स्ट्रट जितने भी आपके पास स्ट्रट मेंबर होते हैं उनमें सिर्फ कंप्रेशन होता है उनमें कभी बैंडिंग नहीं होती है ठीक है जैसे कि आपके पास ट्रस्ट के मेंबर होते हैं ट्रस्ट के मेंबर में या तो आपके पास टेंशन रहेगा या कंप्रेशन रहता है ना मेंबर के अंदर तो वो क्या होते हैं वो आपके एक स्ट्रट टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं जिनमें नो no बैंडिंग रहेगी तो यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा कि आर डिफरेंस में कौन कौन से लोड को ऐड करेंगे तो यू से दैट ओनली एक्सियल लोड को ये ऐड करता है बैंडिंग इसके अंदर नहीं होती है ठीक है फिर हम इसके क्रेपलिंग लोड पे काम करते हैं जिसका फॉर्मूला जिसका क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला जिसको हम पी सी आर बोलते हैं वो आपके पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर होता है ठीक है अब एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आपके पास इस यहाँ पे क्रिपलिंग लोड है वो आपके पास सपोर्ट के सपोर्ट की कंडीशंस पे डिपेंड करती है कि इसकी एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी ठीक है एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी यदि आपके पास एक फिक्स सपोर्ट है एक फ्री सपोर्ट है तो एल इफेक्टिव वैल्यू आपके ट्वेल्व के बराबर हो जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि एल इफेक्टिव की वैल्यू उसकी लेंथ की छोटी बड़ी पे डिपेंड करता है इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन दैट इट इज़ ओनली डिपेंड कि आपके पास जो सपोर्ट कंडीशन है वो क्या है सपोर्ट कंडीशन अलग होगी तो आपकी एल इफेक्टिव भी अलग होगी ये बात आप ध्यान रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे एल एम आर सी में आया था कि भाई ये पूछा था कि जो आपके पास यदि आपके पास लेंथ बढ़ जाती है या लेंथ आपकी घट जाती है लेंथ में कुछ भी शॉर्टनिंग हुई तो क्या एल इफेक्टिव उस पर डिपेंड करता है एल इफेक्टिव उन पर डिपेंड नहीं करता है एल इफेक्टिव ओनली डिपेंड द सपोर्ट कंडीशन सपोर्ट कंडीशन यदि आपकी हिंज रहेगी तो एल आपका सेम रहेगा यदि एल यदि और कंडीशन रही तो आपका उसके हिसाब से चेंज होता रहता है बात ध्यान रखेंगे ठीक है अब देखो हम यहां पे बात करें कि यदि आपके पास दोनों तरफ हिंज है तो एल इफेक्टिव वैल्यू एल हो जाती है यदि आपके पास एक फिक्स्ड है ठीक है और आपके पास एक हिंज हो जाए दिस इज़ द हिन्पोर्ट तो उसको क्या बोल देते हैं उसको हम एल बाय रूट टू बोल देते हैं दिस इज एल बाय रूट टू की वैल्यू के बराबर हो जाती है अब क्या होता है कि यहाँ पे भी आपके आई एस कोड के रिकमेंडेशन है आई एस कोड बोलता है कि हाँ ये तो होती है पर हम इनको नहीं मानेंगे क्यों नहीं मानते वो इसकी वैल्यू को आप जीरो पॉइंट एट एल के बराबर कर देता है एज पर दर द आपका आई एस कोड रिकमेंडेशन यदि दोनों वैल्यू फिक्स रहेगी तो आपका एल बाई टू होता है होना चाहिए पॉइंट फाइव एल होना चाहिए पॉइंट फाइव इन टू एल बट

तो ये आपके पास पी क्रिटिकल की लोड की वैल्यू होती है अब देखो अब यहां पे जो पी क्रिटिकल लोड है यदि मैं उसको एरिया के यदि आपने नाम सुना होगा पी क्रिटिकल इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर हो जाता है तो यदि मैं इसको एरिया की फॉर्म में लिखूं तो एरिया की फॉर्म में यदि मेरा एरिया ये है तो इसको मैं ऐसे इस लिख सकता हूं कि पाई स्क्वायर ई ए बाय एल बाय आर मिनिमम क्या होता है लैमडा लैमडा का स्क्वायर तो ये आपसे पूछे कि सिलेंडरनेस रेशो बढ़ेगा तो क्या क्रिपलिंग लोड बढ़ेगा तो क्रिपलिंग लोड की वैल्यू आपके क्रिपलिंग लोड की वैल्यू आपके लैमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपको दिख रहा है ठीक है तो क्या करता है ये यदि मैं आपसे पूछूं कि जो क्रिपलिंग लोड है वो किस पे डिपेंड करेगा तो वो आपके एक्सल रेजिडिटी पे फ्लेक्सो रेजिडिटी पे एंड सिलेंडर रेशो पे डिपेंड करता है बाद समय में सभी इस इसलिए ही चाहे आपके पास कंप्रेशन मेंबर हो अब देखो कंप्रेशन मेंबर में तो हम चेक करते हैं सिलेंडर रेशो की बात हुई पर मुझे ये बताओ टेंशन मेंबर में हम क्यों सिलेंडर को चेक करते हैं वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना वहां तो आपके पास बकलिंग के कोई चांसेस ही नहीं है टेंशन मेंबर में पर फिर भी वहां भी हम आपके सिलेंडर को सबसे बड़ी प्रायोरिटी देते हैं कि भाई टेंशन में, में आपका वॉन से, से कम नहीं होना चाहिए ऐसा क्यों करते बोलिए <coughs> अरे बोलो रे बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा मैं ही बताऊंगा फिर तो आपको बोलिए जल्दी बोलेंगे कि कंप्रेशन मेंबर में तो मैं सर्णन रेशों की चेक कर रहा हूं पर आपका टेंशन मेंबर में क्यों चेक कर रहा हूं अब सब शांत पड़े हैं सर ईआई को ईए कैसे लिखा है ठीक है देखो वो डिपेंड करता है इफ इफ द इफ योर लोड इज एक्सेल लोडेड इफ योर लोड कंप्रेशन एंड विद विद द बैंडिंग तो EI को लेते हम काम करते हैं मिनिमम के लिए सर देखो सही बात है देखो क्या होता है जब आपके पास अर्थ को एक लोड होते हैं तो जिन मेंबर्स में आपके पास टेंशन आता होता है उन मेंबर में आपका कंप्रेशन आ जाता है कंप्रेशन आएगा ठीक है तो क्या होता है कंप्रेशन मेंबर आ जाता है तो उनमें क्या होगा तो इसलिए हम रेशो काम करेंगे. तो देखो रेडियस ऑफ जयरेशन ज्यादा रहेगा उतना ही आपके पास रोटेशन ऑफ बकलिंग से रेजिस्टेंस मिलता रहेगा आपकी को अब आप क्या होता है इसमें हम आपके एफ सी सी को कैलकुलेट करते हैं आपके पास क्या है दिस इज दिस इज द क्रिपलिंग लोड एंड दिस इज द क्रिपलिंग स्ट्रेस और ये आपका होता है पाई स्क्वायर ई के एल बाई आर का का होल स्क्वायर तो मतलब ये क्या हुआ कि जो आपके पास स्ट्रेस है क्रिपलिंग स्ट्रेस वो आपके लैमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कभी कभी क्या होता है कभी कभी आपको ऐसे सपोर्ट भी देंगे ये सपोर्ट क्या होते हैं ये सपोर्ट के पास सिर्फ शेयर फोर्स ऐड करता है इन सपोर्ट में सिर्फ शेयर फोर्स ऐड करता है इनमें कोई भी बैंडिंग नहीं होती है तो यदि आपका एक सपोर्ट आपके पास ऐसा फिक्स रहा और एक रोलर सपोर्ट विद फिक्स रहा तो क्या होगा उसमें आपके एल इफेक्टिव वैल्यू वन पॉइंट हो जाती है अब यदि आपका फिक्स सपोर्ट आपका हिंद में कन्वर्ट हो गया तो लेंथ आपकी टूवेल्व हो जाती है तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे क्योंकि तो यहां से आपके एग्जाम में वन मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि तो देखो क्या होता है ऊपर वाली चीजें सबको पता है ऊपर वाली चीजें सबको पता है तो वो बच्चे क्या है कि सब लटके बैठे हैं पर ये चीज बच्चे भूल जाते हैं कि यदि आपका सपोर्ट ऐसा हो ठीक है तो क्या होगा उस वाले केस में उस वाले केस में आपको ये दोनों बातें याद रखनी पड़ेंगी यहां से क्वेश्चन बन सकता है ठीक है काम नहीं करूंगा तो एस पर एक्सियल कंप्रेशन की स्ट्रेस की वैल्यू इन दोनों में से मिनिमम होती है जीरो पॉइंट सिक्स एफ वाई और जीरो पॉइंट सिक्स एफ वाई एफ सी सी एफ सी सी की पावर एन प्लस के एफ वाई की पावर एन बाई वन बाई एम ये आपने फॉर्मला सुना होगा मर्चेंट वाला नाम सुना है मर्चेंट रेनकाइन मर्चेंट वाला फार्मूला जो है वो ये फार्मूला है 0.6 f5 f5 fcc fcc पावर n प्लस के fi की पावर n पाई 1 बाय n और यहाँ पे जो n होता है वो इंपरफेक्शन फैक्टर होता है और उसकी वैल्यू 1.4 होती है तो इनमें से जो वैल्यू मिनिमम होती है उसी को मैं आपके एक्सेल कंप्रेशन में, में मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस को टेकन इनटू अकाउंट करता हूं ठीक बासमय सभी को बोलिए जरा एक बार या आपने सुना भी होगा ये फॉर्मूला मैं बोलता हूँ कि आपके पास मर्चेंट का सर ठीक है जो आपके पास मर्चेंट है 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 वो वो क्या क्या होता होता से यूज करते हैं यही ठीक चलो अब हम चलते हैं आगे देखो इसमें क्या होता है कंप्रेशन मेंबर में, में आप दो तो तरह के डिजाइन करते हैं डिजाइन ऑफ लेसिंग करते हैं लेसिंग का डिजाइन करते हैं क्यों है अब देखो क्या है कि यदि मेंबर के बीच में स्पेसिंग बहुत ज्यादा है स्पेसिंग बहुत ज्यादा है तो उस स्पेसिंग को काउंटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि यदि आपके हो सकता है कि इन मेंबर्स में यदि आपने कोई टैक रिवेट किया तो उस मेंबर में यहाँ पे आपके क्रैक बन सकते हैं तो उसका क्या करते हैं उसके लिए हम एक ऐसा लेसिंग की डिज़ाइन को प्रोवाइड करते हैं यदि मेंबर के बीच में यदि बहुत ज्यादा स्पेसिंग प्रोवाइड हो रही है ठीक है तो क्या करेंगे वहां पे हम लेसिंग को प्रोवाइड करते हैं लिखा हुआ है इफ आ स्पेसिंग ऑफ कंपोनेंट इज मोर देन द टैक रिवेट आर यूजलेस सो वी डिजाइन एस अ लेसिंग और बैटिंग अब बैटिंग बैटन बनाएंगे या फिर लेसिंग बनाएंगे वो डिपेंड करता है ठीक है वो आपका डिपेंड करेगा कि लेसिंग रहेगा या फिर आपका बैटिंग रहेगा अब देखो डिजाइन कैसे होता है डिजाइन देखो जितने भी आपके पास लेसिंग रहेगा उसमें आपके पास कभी भी बैंडिंग में डिजाइन नहीं करते यदि आपकी बकलिंग हो रही है मेंबर में तो वहां पे हम डिजाइन नहीं करेंगे तो हमेशा शियर के लिए डिजाइन करते हैं शीयर के लिए डिजाइन किया जाता है आपके पास लेसिंग को जैसे आपके पास स्ट्रस होता है वैसे आपके पास लेसिंग होता है ठीक है इफ लेसिंग मेंबर आर यूज देन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज इंक्रीज बाय द फाइव परसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताओ कितनी लेंथ को बढ़ाते हैं यदि आप लेसिंग मेंबर को यूज कर रहे हैं तो लेसिंग मेंबर से क्या रहेगा कि जो आपकी लेंथ है वो लेंथ आपके पास बढ़ जाएगी फायदा क्या होगा फायदा ये होगा कि यदि आपका लैमडा इक्वल्स टू एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम हो जाएगा तो यदि आपके एल की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका लैमडा बढ़ जाएगा ठीक है तो बकलिंग का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा तो क्या करते हैं अपनी जो मेंबर है उसको पांच परसेंट बढ़ा देते हैं यदि आप लेसिंग को यूज कर रहे हैं बात आती है कि यहां पे जो मैंने ये लेसिंग को प्रोवाइड किया इस लेसिंग का एंगल क्या रहने वाला है वट इज द एंगल वॉट दिस एंगल क्या एंगल रहेगा ये ठीक है तो इन एंगल के लिए भी आपके आई एस कोर्ड ने कुछ रिकमेंडेशन दे रखे हैं उन्होंने बोला कि ये जो एंगल है ये आपका 40 से 70 के बीच में ही रहना चाहिए ओके यदि ये वैल्यू आपकी 70 से बड़ा हो गया तो फोर्स इन बी वेरी हाई एंड इट मे बी बक नहीं produce होगा आपके के के अंदर अंदर वो bending moment भी आपकी के अंदर produce हो सकता है यदि एंगल आपका 70 से बड़ा हुआ दूसरा यदि आपका एंगल फोर्टी से कम रहा तो लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर इज मोर एंड इट इज मे बी बकल तो लेसिंग लेसिंग में क्या होगा कि जो आपके पास लेंथ आपको देनी पड़ेगी वो आपको काफी बड़ी लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो उससे क्या हो जाएगा उससे इससे भी आपके पास मेंबर के अंदर बकलिंग हो सकती है तो दोनों केसेस के अंदर क्या होता है दोनों केसेस के अंदर आप 40 टू 70 याद रखेंगे ठीक है तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है कि बताओ लेसिंग मेंबर में जो एंगल को प्रोवाइड करते हैं वो किससे किसके बीच में रहता है ई में भी क्वेश्चन आया था उन्होंने यहां पर गलती से क्या किया उन्होंने गलती से लिखा ठीटा इज ग्रेटर फोर्टी डिग्री तो आपको दिमाग लगाना है कि फोर्टी से बड़ा तो हो नहीं सकता ठीक है तो थीटा इस, आपका थीटा की वैल्यू इस इट इज ग्रेटर फोर्टी वी आर नॉट यूज तो वी आर यूज ना हम इसको यूज करेंगे तो फोर्टी से बढ़ेगा तो हम यूज कर सकते हैं तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि आपका जो एंगल है वो 40 फोर्टी से लेकर सेवनटी के बीच में होना ही चाहिए आई बात में सभी को चलिए हम बात करेंगे कि अब क्या होगा कि ये करते क्यों हैं इसलिए करते हैं कि आपका बकल ना कर जाए तो प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ अ कॉलम द कंपोनेंट बिटवीन द लेसिंग मेंबर तो लेसिंग मेंबर के बीच में जो कंपोनेंट रहेगा जो सी बाई आर मिनिमम होता है सी आपके पास क्या रहेगा सी आपके पास जो दो मेंबर हैं उन मेंबर की बीच की डिस्टेंस सी है और ये आपके पास यहां से एस स्पेसिंग आपका एस बाई टू रहेगा और यहाँ से आपका एस बाय टू रहेगा तो वो यही बोल रहा है कि जो सी अपन आर मिनिमम आर क्या आपके पास रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू आपकी कभी भी 50 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और दूसरा 0.7 पॉइंट सेवन लैमडा ऑफ द होल कोलम जो कॉलम यूज कर रहे हैं उसमें आपके पास लैम जीरो पॉइंट सेवन से बड़ी नहीं होनी चाहिए तभी आपका जो आपका लेसिंग को आपने प्रोवाइड किया आप, बकलिंग को रोकने के लिए वो आपका प्रीफर रहेगा नहीं तो हम उसको प्रीफर नहीं कर सकते दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिनिमम विथ कितनी होती है आपके लेसिंग बार की तो आपके पास क्या रहेगा जो आपने यहाँ पे लेसिंग में जो बोल्ट को प्रोवाइड की है उन बोल्ट के नॉमिनल डाया दैट मीन्स कि जो आपके पास शेंग का डाया है उसका थ्री टाइम्स आप कर देंगे तो आपके पास क्या रहेगा लेसिंग का वृत्त आ जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम है पूछा जाता है तीसरा मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग बार क्या रहती है तो मिनिमम थिकनेस जो आपके पास लेसिंग बार आप यूज करेंगे उसकी थिकनेस भी आपको डिपेंड करनी पड़ेगी तो वो क्या होती है वो डिपेंड करता है आपके पास सिंगल लेसिंग है या फिर डबल लेसिंग सिंगल लेसिंग मतलब क्या होता है ऐसे ऐसे आपने प्रोवाइड किया है सिर्फ ऐसे ऐसे दूसरा होता है कि आपने डबल लेसिंग प्रोवाइड कर दिया ऐसे और ऐसे प्रोवाइड किया है तो सवाल क्या होगा कि एल जितनी लेंथ रहेगी आपके पास लेसिंग का उसका एल बाई फोर्टी कर, कर देंगे तो ये बात ध्यान रखेंगे आ रही बात में आप सभी को कोई दिक्कत है किसी को कोई परेशानी सब बढ़िया चलिए तो ये बात ध्यान रखेंगे लेसिंग सिस्टम डिजाइन टू द ट्रांसफर द दर फोर्स तो ठीक है तो मतलब ऐसा नहीं है कि बैंडिंग को ये रजिस्टर नहीं करता है पर हम क्या बोलते हैं बैंडिंग को रजिस्ट करेगा पर इन द फॉर्म ऑफ शीयर तो लिए हम बोलते हैं कि बैंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा यदि आपको बैंडिंग को को रोकना है तो हम लेसिंग को नहीं लगाते हैं हम सिर्फ शीयर फोर्स के द्वारा अपने मेंबर के अंदर जो बकलिंग हो रही है उसको रजिस्ट कर देते हैं रजिस्टर कर देंगे तो क्या रहेगा कि आपके पास जो लोड आया है उसके टू लोड में शीयर के द्वारा अपने जो मेंबर है उसको बकल में बचा सकते हैं तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है ठीक है मान लो कि आपको कोलम का लोड दे देगा और पूछेगा कि जो शेयर का लोड है बच्चा वो कितना होगा तो आपको याद रखना है कि शेयर का लोड मेरे पास इतना रहेगा या शेयर फोर्स मेरे पास इतना रहेगा ठीक है सर जी अभी हमारे यहां 585 पोस्ट निकली है वाटर रिसोर्स में इसके पहले 81 पोस्ट निकली थी वाटर सप्लाई और 50 पी तो बढ़िया है भाई कॉन्ग्रेचुलेशन फोड़ दो एग्जाम इस बार ओके तो ये बात ध्यान रखें अब देखो डिज़ाइन ऑफ बैटन की बात करूं तो आपको समझ आ चुका है कि बैटन क्यों प्रोवाइड करेंगे बैटन ये प्रोवाइड करेंगे कि आपको बैंडिंग में भी चेक करना है ठीक है लेसिंग में सिर्फ बैंडिंग नहीं लेता है वो सिर्फ शेयर को रजिस्ट करेगा लेकिन यदि आपके आपके मेंबर के अंदर बैंडिंग भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया है तो हम आपके पास बैटन्स को प्रोवाइड करते हैं बैटन्स क्या होती हैं बैटनस ऐसे लगे होते हैं यदि आपके पास ये दो कॉलम है इन मेंबर में या तो आपके पास एक होता है एंड बैटन्स ये एंड बैटन्स होती है या आपके इंटरमीडिएट बैटन्स होंगी और ये आपके पास

दस परसेंट बढ़ा देंगे क्या करेंगे टेन परसेंट बढ़ा देंगे ठीक है तीसरा हम बात करेंगे टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ इंडिविजुअल कॉलम बात वही है कि इंडिविजुअल कॉलम में बकलिंग नहीं होनी चाहिए तो वैल्यू आपकी यही रहेगी जो आपके पास वहां था ठीक है तो ये था आपके पास बेटन एंड बेटन की बात की हमने और आपके लेसिंग की बात करी ठीक है आउटस्टैंड लैग के सारे इफेक्ट बता दीजिए वो अभी बताने का मेरे पास टाइम नहीं है ठीक है बट क्या है कि वहां से क्वेश्चन नहीं बनते इतने ज़्यादा कि भाई लेसिंग बार के लिए जो आपके पास कंडीशन uh, रहेंगी वो क्या रहेंगी, land क्या रहेंगी लेंथ क्या क्या रहेगी वो सब नहीं आते हैं एग्जाम में को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं बहुत ज्यादा जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाया गया डाटा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है चाहे वो आपका आई में आया हो चाहे वो आपका किसी भी कॉम्पिटिशन में स्टेट लेवल पर आया हो ओके बाद समय से भी कोई हादसा समय आ चुकी है यदि आपको यहां तक बात समय में आ चुकी है तो यहां पे आपके पास गैने गर्डर हम बढ़ते हैं गर्डर तो आपने देखे होंगे वैसे कहां पे देखे हैं गर्डर आपने ये आपनेट्री गर्डर जो कोई गांव से बिलोंग करता होगा उसको पता होगा पहले ही ठीक है जो गांव से बिलोंग नहीं करता होगा तो उसने उसने कम देखे होंगे ये जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं ज्यादा देखो हम बात करेंगे गैनेट्री गर्डर की तो जब आप कभी आपके यदि खेतों में में गन्ने हुए हों तो जब गन्ने को हम आपके शुगर मिल पे लेके जाते हैं तो मिल्स पे से जो गन्ना उतरता है वो इन गैनेटरी गर्डर्स की हेल्प से ही उतरता है ठीक है तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर पर्पस होते हैं वो आपको समझने हैं ठीक है ठीके? इसकी मतलब इसकी वर्किंग नहीं समझनी है वर्किंग कैसे उठाया कैसे करा आपके इसके जो कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं उनको समझना है और वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे क्या होता है ठीक है जैसे क्या होता है देखो यहां पे देखो ध्यान से कि यदि मेरे पास ये मेंबर है मान लो क्या है कि मैंने यहाँ पे अपने ट्रक को खड़ा किया और ट्रक के अंदर बहुत सारा मतलब गन्ने भरे हुए हैं तो बाय द हेल्प ऑफ दिस हुक इस हुक को डाल देंगे और गन्ने को पूरा यहां से निकाल लेते हैं तो क्या होता है यहाँ पे एक जो मेंबर है हाँ पे, यहाँ पे पे आपके पास एक वॉल होगी उस वॉल में कैटवोल लगा होता है कैटवॉल क्या होता है मैं बताऊंगा आपको कैटवॉल क्या होता है ये यह आपका यहाँ पे कोलम मेंबर रहेगा इस कोलम मेंबर के ऊपर ये आपका गैनेट्री गर्डर लगा होता है मैं आपको ये वाला शेप दिखा रहा हूँ इसका ठीक है i have to only discuss this front view यदि आप इसका साइड व्यू देखेंगे तो ये आपके पास पूरा बड़ा का बड़ा स्ट्रक्चर होता है ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा ठीक है ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा ऐसा 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 ठीक है तो ये क्या है आपके पास गैरेंट्री गर्डर है ओके उनके ऊपर आपके पास एक छोटा रेल लगा होता है छोटे कंपोनेंट में आपका रेल लगा होता है और यहां से आपका पूरे ट्रस का कंपोनेंट होता है जो ट्रस का ब्रिज रहेगा ठीक है और यहां पे क्या रहेगा यहां पे आपके पास एक ऐसा ऐसा आपके पास एक हुक सा लगा होता है इसके इस वाले कंपोनेंट को हम हुक बोलते हैं और जहां पे ये कंपोनेंट रहता है आपके पास स्ट्रेस के ब्रिज से उसको हम क्रैप बोलते हैं क्या बोलते हैं क्रैप जिस रूम में बैठा हूं उस रूम में लगा हुआ है ठीक है तो क्या बोलते हैं इसको हम क्रैप बोलते हैं अब देखो क्या होता है कैसे काम करते हैं बेसिकली इसके अंदर तो बेसिकली इस पूरे गैनेटरी गर्डर्स में आपके पास तीन तरह के लोड लगे होते हैं तीन तरह के लोड इस पर काम करते हैं वे एक होता है आपके पास वर्टिकल लोड ठीक है यहां पे आपके पास एक वर्टिकल लोड रहेगा कैसे लगता है वर्टिकल लोड जरा ध्यान से देखेंगे देखो अब देखो यदि मैं आपके पास वर्टिकल लोड की बात करूं तो वर्टिकल लोड कहां से आएगा ड्यू टू तो द तो वेट ऑफ क्रैब और हुक हुक और जो क्रैब में यहां पे आपने मेंबर को, को लट, लटकाया है तो उस लट, उस मेंबर का वेट रहेगा उस पूरे पूरे मटेरियल का वेट रहेगा तो वहां से आपके पास एक वर्टिकल लोड एक्ट करता है वर्टिकल लोड एड करेगा दूसरा जो लेटरल लोड है वो कहां पे रहेगा जो ये क्रैब होती है इस क्रैब का मूवमेंट होता है ठीक है ऐसा तो है नहीं कि ये आपका फिक्स रहेगा ये क्या होता है इसको हम आगे पीछे घुमा सकते हैं यहां पर इस जूटो तो इस रेल के हेल्प से हम इसके क्रैप को आगे पीछे घुमा सकते हैं तो वहां से होता है वहां की वजह से आपके पास एक लोड आता है मूविंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द क्रैप के मूव करने से उसको स्टॉप करने की वजह से आपके पास एक लैटरल लोड भी आता है दूसरा क्या होता है लॉन्गिट्यूटल लोड क्या होता है ड्यू टू द मूविंग और स्टॉपिंग ऑफ द ट्रसेस अब क्या होते है ये ट्रस के ट्रस्ट की जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे आपके जॉइंट्स होते हैं इन जॉइंट से क्या होता है ये आपके पास देखो ऐसे जॉइंट होते हैं ठीक है आपके पास ऐसे जॉइंट रहेंगे ऐसे जॉइंट तो जॉइंट जॉइंट क्या रहेंगे वो जॉइंट आपके पास ऐसे रहते हैं तो क्या होते हैं पहले ही ऐसे रहते हैं फिर जैसे आपके पास मेंबर आएगा तो ऐसे खुल जाते हैं तो इनके इस बंद होने और खुलने के मेंबर की वजह से यहां पे आपके पास क्या रहेगा लॉन्गिट्यूडनल लोड भी आएगा क्योंकि आपको पता है ट्रस के अंदर ठीक है तो क्या रहेगा जो आपके पास ट्रस के अंदर रहेगा ट्रस के अंदर आपके पास सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल लोड ही एक्ट करता है तो वहां पर कोई और लोड तो ऐड करेगा नहीं तो यहां पे आपके पास तीन तरह के लोड बढ़ते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ गैनेट्री गर्डर के अंदर आपके पास कितने टाइप के लोड ऐड करते हैं और कौन कौन से करते हैं ठीक है तो वर्टिकल लोड रहेगा लेटरल लोड रहेगा और लॉन्गिट्यूडल लोड तीन तरह के लोड आपके यहां पे एक्ट करते हैं बात समझ समय सभी को तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ठीक है अब देखो दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि जब आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल लोड है और जो आपका लेटरल लोड है जो आपके क्रैप की वजह से हुआ वो कभी भी साइमल्टेनियसली एक्ट नहीं करेंगे क्यों देखो सिंपल सी बात ये है यदि आपके पास ये मेंबर है यह आपके पास तो like ट्रस मान लेता हूँ मैं दिस इज लाइक द ट्रस्ट मान लो ऐसा ट्रस्ट है आपके पास ठीक है अभी आपका बंद था ऐसा अब अभी खुलने लगा अब इसके नीचे आपके पास ये क्रैब और हुक लगा हुआ है तो हुक ढंग से काम नहीं कर पाएगा यदि ये इसका मूवमेंट होता रहेगा इसका एक बार मूवमेंट हो गया इसको रोक दिया हमने और फिर अपना जो क्रैब है वो मूव करना स्टार्ट करता है यदि मैं दोनों को साथ में मूव कराऊंगा तो आपके पास जो जहां जिस वेट को उठाना है उस वेट को हम उठा ही नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे लोंगिट्यूड नर और लेटरल लोड कभी भी साथ में नहीं लगेगा ठीक है कभी भी साथ में नहीं लगेगा किस किस ने पहले ये चीजें नहीं पढ़ी हैं हाँ उठाएंगे किसने पहले चीजें नहीं पढ़ी हैं पहली बार सुनने में लग रहा है कि हाँ यह कुछ होता है गैनेट्री गटर देखा तो है पर सुना नहीं है बस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं थे तो हम रट लेते थे उनको ठीक है तो बहुत सारे होंगे तुम में से ऐसे ही चलिए थे ऐसे कोई फर्स्ट टाइम देखा तो कुछ याद नहीं रहा मैं आपको पहले बोल चुका हूं इसी देखो चलो बात करेंगे नेक्स्ट पे चलो कोई बात नहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन देखे ना आप सभी ने गारंटी कर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो अब आपको याद रहेगा कि क्वेश्चन कहां से आगे से पूछता है एग्जामर पूछता है सिलेबस में से ये पर कुछ हम छोड़ देते हैं लास्ट में करते करते देखो अब क्या होता है द चैनल ओवर द गैनट्री गर्डर गैनट्री गर्डर देखा था आपने उस गैनट्री गर्डर के जो ऊपर चैनल रखा हुआ है ये चैनल सेक्शन आप देखो जरा यहां पे ये गैनेट्री गर्डर है आपके पास इसके ऊपर आपने जो चैनल सेक्शन रखा हुआ है ये चैनल सेक्शन और ये चैनल सेक्शन इसके अंदर बकलिंग के चांसेस हो सकते हैं कि मान लो कि लोड बहुत ज्यादा आया जब लोड आपका ऐसे खिंचेगा तो हो सकता है कि आपका ये ऐसे

नो no बैंडिंग यदि बैंडिंग का जो स्ट्रक्चर है बैंडिंग नहीं रहेगा मेंबर में उसको वो नहीं लेगा बैटर आपके बैंडिंग को ले सकता है ये बात ध्यान रखेंगे ठीक चलो अब हम बात करेंगे कि यहां पे मैं आपको बोला था कि द चैनल ओवर द गैन गर्डर इंक्रीज द दल बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गैन गर्डर इंक्रीज द लेटर रेजिस्टेंस टू अगेंस्ट द दॉरिजोंटल सर्ज अकाउंट फॉर बैंडिंग इन अ अरिजोंटल प्लेन मतलब क्या है कि यदि आपको उसको रोकना है तो आपको अपने हॉरिजॉन्टल का जो इफेक्ट है जो मान लो क्या है आपके पास ये मेंबर था जहां पे आपके पास कैटवॉल लगी हुई थी उस कैटवॉल को आपको अच्छे से प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे मुझे लैटरल रेजिस्टेंस मिलता रहे एक्चुअली देखो कहना क्या चाहता है ये कहना ये चाहता है मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर नहीं है बनाने के लिए क्या लू क्या लू क्या लू क्या लू मान लो ये है देखेंगे जरा ध्यान से कि मान लो मेरे पास क्या है ये मेरे पास पास आपके स्ट्रेस ठीक है मान लो मेरे पास क्या है ये ये मेरे पास क्या है यहाँ ये मेरे पास आपका ब्रेसिंग है जो ट्रस वाला है ट्रस वाला मेंबर और यहाँ पे मेरे पास क्या है ये आपका ऐसे रजिस्ट कर रहा है एंड दिस इज़ द माय मेंबर जो मेंबर के अंदर बकलिंग हो सकती है ये मेरे पास मैंबर है जिसके अंदर बकलिंग हो सकती है अब यहाँ से लोड ऐड करा तो ये जब लोड ऐड करेगा तो हो सकता है कि इसके अंदर बकलिंग हो जाए लेकिन यदि मैं इस मैंबर को इस मेंबर को ये रेजिस्टेंस देता रहूं मान लो कि पहले मैंने अपने मेंबर को रेजिस्टेंस सिर्फ ये दे रखा था तो हो सकता है कि इसके अंदर ऐसे बकलिंग हो जाए ठीक है लेकिन यदि मैं इसको स्ट्रॉन्गली कर दूं ऐसे ऐसे आपको वर्टिकल आपका क्या करूं ऐसे दे दूं तो यदि आप इसको घुमाओगे भी तो इसके अंदर बकलिंग के चांसेस नहीं होंगे तो वॉल का मेन काम यही होता है ठीक है तो जो आपके पास क्या रहेगा जो आपके पास वॉल है उस वॉल का मेन पर्पस यही होता है कि आपके पास जो लैटरल रेजिस्टेंस रहेगा उसको प्रोवाइड करना इसको हम डाइफाग्राम और कैटवॉल भी बोलते हैं एग्जाम में क्वेश्चन है कि कैटवॉल क्या काम करता है में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि है लाइक द अब टाइप दिस इज द लाइक अब जो आपके पास पूरी पूरी मेंबर है उसको रोक के रखेगा जिससे कि उसके अंदर कोई भी बकलिंग ना हो जाए ठीक है तो लेटर प्रोवाइड करता है एंड टू द गैनेट्री गर्डर बिकॉज नॉट कनेक्टेड टू द वैब ठीक है तो कोई आपसे पूछे गैनेट्री गर्डर के अंदर क्या है टोरोजन भी होता है तो टोरजन नहीं होगा क्योंकि तो वैब प्लेट जो टोरोजन के चांसेज हो सकते हैं वो वैब में होते हैं वैब वैब के अंदर क्या होता है टोरोजन हो सकता है तो वैब आपका कनेक्ट ही नहीं रहेगा मेंबर से तो क्या रहेगा उसकी वजह से इसके अंदर कोई भी टोरोजन नहीं होते हैं ठीक है थीके? यदि आपके यदि आपके मैंबर के अंदर टोरोजन हो जाते हैं ठीक है यदि आपके मेमर के अंदर टोरोजन हो जाते हैं तो उसके लिए हमको स्टिफनर प्रोवाइड करने पड़ते हैं आप नाम सुना होगा वर्टिकल इस्टिफनर, इस्टिफनर, स्टिफनर होरिजेंटल स्टिफनर ठीक है वेब स्टिफनर ये सब क्या होते हैं ये सब हम प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू द बकलिंग मतलब क्या है कि यहां पे टोरजन होने के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं बात समय सभी को अभी पूछ रहे हैं कोई कोई पूछ रहा है सर मूविंग लोड कैसे ऐड करता है मूविंग लोड देखो कैसे ऐड करता है जैसे आपने आई एल डी में पढ़ा था इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पढ़े थे कि आपने यहां पे लोड लगा तो उसकी वजह से कितना शेयर फोर्स डेवलप हुआ कैसे लगा यहां पे कितना शेयर फोर्स डेवलप हुआ उस तरीके से आपके ट्रसेस के अंदर सिर्फ एक्जेल लोड की वजह से हम आपका मूविंग लोड की कैलकुलेशन बना के वहां पर आई बना देते हैं पर उस समय आपको नहीं जाना है वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो क्या होगा तो वो आपको ध्यान रखना है अब बात करेंगे वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो आपके पास लेंथ ऑफ द पूरे पूरे मेंबर की जो लेंथ है ठीक है ट्रस मेंबर की लेंथ है उसका एल बाय सिक्स हंड्रेड करो तो उससे बड़ी आपके पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इस गैनेट्री गर्डर से आपके तीन से चार मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो इनको अच्छे से खा जाओ ठीक है रोज इनको रोज खाओ तो आपको रोज इन खाओगे सुबह-सुबह थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में लो थोड़ा सा फिर दोपहर में भी ले लो और फिर आपको शाम को भी खा लो तो आपको ये गारंटी गर्डर अच्छे से याद हो जाएगा ठीक है देखो कुछ नहीं है मैंने मेहनत करी है मैंने इसको बनाया ढंग से और ढूंढी है चीज़ें कि कहाँ से बनी है तो उससे आपको फ़ायदा हो गया अब आपको बुक्स नहीं उठानी पड़ेगी गारंटी गर्डर्स के लिए वही क्वेश्चन जो बनने हैं वो यहाँ से बनेंगे अब मान लो एक तो क्वेश्चन अलग से बन जाता है तो उसको इस नोट्स के अंदर ऐड कर लेना है ना ये बात ध्यान रखेंगे बस अब बात करेंगे प्लेट गर्डर की अब आप जो बच्चा बोल रहा था कि सर हमने गैरंटी गर्डर देखा है तो भाई साहब उन्होंने प्लेट गर्डर देखा हुआ क्योंकि प्लेट गर्डर बहुत ही कॉमन होते हैं और ये आपको दिख जाते हैं कहीं भी ठीक है तो रूम के अंदर आपने प्लेट गर्डर देखी थी ना कि गैनेटरी गर्डर देखी थी क्योंकि गैनेटरी गर्डर का देखना मतलब ये है कि भाई साहब तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो कि लोगों को टांग रहे हो मतलब क्या है कि ये रात को बोरियों के अंदर लाशें भरते हैं ऐसा हो सकता है तो गैनेटरी गर्डर पर जैसे फिल्मों में दिखा था फिल्मों में कि हीरो को बुलाया जाएगा कि तुम्हारे घर वाले यहाँ पर हैं आइए तो गैर से, से बांध दिया होगा उनको कि अब देखो बेटा एक ऊपर टांग दिया है अब बचाओ इसको साउथ की मूवी देखिए कभी वो वाला चलो अब हम बात करेंगे कि आपके पास जो डिजाइन ऑफ तो द प्लेट गर्डर है तो प्लेट गर्डर के, के कम्प्रेशन इसमें क्या होता है इसमें जो तो सेक्शन है पूरा पूरा ये आपके पास क्या रहेगा ये आपके पास मेंबर्स होते हैं ये मेंबर रहेगा ठीक है ठीके? दूसरा आपके पास ये मेंबर रहेगा इन मेंबर से आपके पास क्या होती है कुछ फ्लैंच एंगल एड होते हैं इस पूपर वाले मेंबर से और आपके इस नीचे वाले वैब वाले प्लेट से तो ये आपके पास क्या रहेगी आपके पास फ्लेंज प्लेट रहेगी या आपके पास वैब प्लेट रहेगी इन दोनों कनेक्ट करने के लिए हम आपके पास फ्लेंज एंगल को यूज करते हैं तो वी आर द यूज द फ्लैच एंगल और ये आपके पास वैब प्लेट रहेगा या आपके पास फ्लैच एंगल रहेगा यहां पे जो मैंने लिखा हुआ है डाटा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने यहां पे कनेक्शन किया हुआ है रिवेट किया हुआ है या कुछ भी कनेक्शन किया हुआ है तो उनमें का कितने डिस्टेंस के बाद आप इसमें कोई भी कनेक्शन करेंगे दूसरा जो आपके पास ये टेंशन फ्लेंज है जब आपके पास मेंबर में फोर्स आता है तो फोर्स की वजह से क्या होता है ऊपर वाले मेंबर में यहाँ पे कंप्रेशन रहता है और नीचे वाले मेंबर में आपके पास टेंशन रहता है ये बात ध्यान रखेंगे ठीक है और जहां पे आपने फ्लैज एंगल को प्रोवाइड किया आपके वेब प्लेट से उस वेब प्लेट से कनेक्ट करने के में आपके पास जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू जहां पे आपने दो फ्लैंज को प्रोवाइड किया वो डी वन होती है और इस वेब प्लेट की थिकनेस आपकी टी होती है तो जब भी आपके मेंबर के अंदर हम स्टिफनर को प्रोवाइड करते हैं क्योंकि बकलिंग की वजह से कि आपके वेब के अंदर कोई बकलिंग ना हो जाए उसके लिए हम इस डी और इस टी डब्ल्यू जो थिकनेस ऑफ वेब है उस पर डिपेंड करते हैं ठीक है तो उसके कुछ क्राइटेरिया है जो जिस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की बकलिंग हो सकती है ओके अब जरा ध्यान देखेंगे कि यदि मैं आपके पास बात करूं कि कंप्रेशन फ्लैंज कंप्रेशन फ्लैंज कौन सा है ये वाला फ्लेंज इस वाले में प्लेट एंगल एंड द वेब आपका डिपेंड करता है पांच एम mm का जो गैप है हमने प्रोवाइड किया यहां पे आपने जो रिवेट किया है उससे पहले आपने पांच एम mm का गैप छोड़ा है वो गैप हमारा इंश्योर करता है कि वेब टेक्स ओनली शियर फोर्स सो डायरेक्ट बियरिंग एक्शन इज अवॉइडेड एंड लोड ट्रांसफर थ्रो द रिवेट ओनली फ्रॉम द फ्लैंज एंगल ठीक है कुछ छूट तो नहीं जाएगा अरे भैया कुछ नहीं छूटेगा यार इनसे नहीं छूटेगा आप, आपका दूसरा चीज़ें निकल जाएंगे इसमें तो क्या होता है ये जो हम पाँच एम का गैप इतना तो आपने क्लास में पढ़ा होगा हम ये सोचेंगे कि मास्टर अपनी बढ़ाई कर रहा है ऐसा नहीं है इतना तो गहराई में आपने क्लास के अंदर ना पढ़ा होगा कि भैया ये कि पूरा पूरा प्लेट गडर पढ़ा जाएगा मास्टर ने आपको कितने बड़े मास्टर से पढ़े होगा तुम ठीक है तो जब भी इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कि भैया पांच एम का गैप छोड़ दिया कौन पढ़ाता है पांच एम mm का गैप छोड़ दिया एग्जाम पर क्वेश्चन बने हैं यहाँ से तो देखो पांच एम mm का गैप जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका मतलब यही है देन द वैप टेक्स ओनली द शीयर फोर्स तो ये जो पांच एम mm का गैप है मैंने इसलिए प्रोवाइड किया कि जब मैं इस पे पी लोड को ऐड करूंगा तो इसके अंदर कोई बैंडिंग ना हो जाए सिर्फ जो लोड ट्रांसफर हो वो इस रिवेट से इस रिवेट के थ्रू और इस लग एंगल में जाए और इस जो आपके पास अलग एंगल बोल रहा हूं इस एंगल के अंदर जाए और इस एंगल से वैप पे जाए तो में सिर्फ शेयर फोर्स रहे कोई भी बैंडिंग ना हो नहीं तो क्या होगा शेयर फोर्स बैंडिंग होगी तो पंचिंग के चांसेस हो सकते हैं इसके अंदर ठीक है यदि आपका शेयर फोर्स और बैंडिंग दोनों एक्ट करा वैब में तो पंचिंग के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं ठीक है तो ये बात ध्यान रखेंगे तो इसलिए कोई आपसे पूछेगी यदि आप अपने प्लेट गर्डर को यूज करते हैं ये प्लेट गर्डर प्लेट गर्डर है ये भी आपका प्लेट गर्डर है ठीक है ये आपका, आपका वैप प्लेट है ये ये आपके आपके पास क्या है फ्लेंज प्लेट ओके OK? तो क्या रहेगी कि ये यह पांचवे गैप छोड़ने का मतलब यही होता है कि सिर्फ आपका शीयर फोर्स ही आपकी वैप वैब प्लेट पे ट्रांसफर हो अब क्या होता है कि जो आपके पास एरिया ऑफ फ्लेंज एंगल होता है तो टोटल जो फ्लेंज की प्लेट रहेगी टोटल जो आपके पास फ्लेंज की प्लेट रहेगी उससे न बाय थर्ड से ज्यादा एरिया आपके फ्लैंज एंगल का जो आपने ये लोड को ट्रांसफर कराया फ्लैज एंगल से इसलिए करा है ठीक है देखो सिंपल सी बात ये है कि यदि मेरे पास एक मेंबर ये था ठीक है मेरे पास क्या था एक बात ये था कि ए, मेरे पास एक ये मेरे पास क्या है, ये मेरे, पास है ये मेरे पास वैप प्लेट है अब इन दोनों कनेक्ट करने के लिए मैंने यहां पे एंगल लगा दिया दिस एंगल लगा दिया मैंने यहां पे तो ऐसा तो भी हो सकता कि मैं इसको पूरा पूरा ट्रांसफर कर ऐसे उससे क्या होगा उससे बकलिंग जो बैंडिंग है वो भी आ सकती है मैंने इसलिए इसको ऐसे प्रोवाइड इसलिए करा कि जिससे क्या हो कि जो लोड ऊपर वाले मेंबर में आया वो बाय द हेल्प ऑफ इस फ्लैंज इस फ्लैंज की वजह से फ्लैंज एंगल की वजह से यहां पे ट्रांसफर हो जाए वेब प्लेट में और वेब प्लेट में ट्रांसफर होकर इसके अंदर सिर्फ शीयर रहे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहां से एग्जाम में क्वेश्चन ये बनते हैं कि मुझे ये बताओ कि वेब प्लेट जो आपके पास आप पढ़ रहे हो प्लेट ग पढ़ रहे हो इसमें जो ये फ्लैंज एंगल आपने प्रोवाइड किए इसमें कौन सा लोड ट्रांसफर होता है तो आप बोलोगे ओनली द शियर फोर्स आर ट्रांसफर ऑन दिस सेक्शन आ रही बात तो सभी को तो क्या रहेगा सिर्फ आपके पास जो लोड है वो ही ट्रांसफर होगा वो, ट्रांस, वो लोड कौन सा रहेगा वो आपके पास सिर्फ शियर फोर्स रहेगा दूसरा होता है इकोनॉमिक डेप्थ द तो प्लेट गर्डर जो आपके प्लेट गर्डर है उसकी इकोनॉमिकल डेप्थ डिपेंड करती है आपके

तो इस D1 वन बाय टी डब्ल्यू पे यहां पर क्या होती है यहां पे बकलिंग के चांसेस हो सकते हैं आपके मेंबर के अंदर लोड इतना आ रहा है ऊपर से कि हो सकता है यहां पे बकलिंग हो जाए तो उसको रोकने के लिए इस D1 वन बाय टी डब्ल्यू पे काम करना पड़ता है ठीक है तो आपसे पूछे एग्जाम में कि बताओ कि आप जो प्लेट को यूज कर रहे हैं प्लेट गर्डर को उस पे कौन सा डिस्टेंस या कौन से ऐसी तो वो d1 और T2, thickness of web plate पे डिपेंड करता है ठीक है तो से से क्या है यहां से आपके पास कुछ हैं उनको आप याद रखेंगे जैसे, मैं आपसे पूछूं कि d1 वन बाई टी की वैल्यू यदि आपकी 85 से कम रही तो वर्टिकल स्टिफन नॉट प्रोवाइड और नो पॉसिबिलिटी ऑफ वेब बकलिंग मतलब क्या है कि यदि मैं आपको ऐसा सेक्शन लू देखो ध्यान से कि मेरे पास क्या है ये मेरे पास क्या है ये मेरे पास एक आपका वेब प्लेट है ये ऐसे कनेक्ट होगा तो क्या होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं जो आपके पास स्टिफनर को प्रोवाइड करते हैं वो कुछ ऐसे प्रोवाइड करेंगे दिखाता हूं मैं आपको जरा ध्यान से ठीक है तो क्या होता है दिख रहा है आपको निशान दिख रहा है ये, ये निशान दिखे जरा ध्यान से तो ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन है ना इन वर्टिकल लाइन की हेल्प से हम आपके मेंबर के अंदर वर्टिकल स्टिफनर को प्रोवाइड करेंगे इससे कोई बकलिंग ना हो और दूसरा हम आपके पास स्टिफनर भी प्रोवाइड कर देते हैं अब ये कब कब प्रोवाइड करेंगे तो इट इज डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ डी वन बाई टी डब्ल्यू यदि आपके डी वन बाई टी डब्ल्यू की वैल्यू एटी फाइव से कम है तो नो नीड ऑफ बकलिंग एंड नो नीड टू प्रोवाइड

टू प्रिवेंट द वेब बकलिंग ड्यू टू द दैंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस ठीक है तो न्यूट्रल एक्सिस के न्यूटल में न्यूट्रल एक्सिस के अबव में ठीक है जो आपके पास न्यूट्रल एक्सिस के अबव में जो आपके पास ये लेंथ रहेगी वहां पे हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर को प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या हो कि डायगोनल कंप्रेशन में बैंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस में कोई भी आपके पास बकलिंग ना हो तीसरा क्या होता है कि यदि आपके पास क्या रहे

उसको उसको मेंबर को आप यूज नहीं कर सकते उसके अंदर बकलिंग होनी होनी है तो आपको सेक्शन को दोबारा से रीडिजाइन करना पड़ेगा तो ये कुछ कंडीशन है ठीक है नहीं मेरे पास पेपर नहीं है पर मैं सब क्वेश्चंस क्या है मैं सब क्वेश्चन देख के आया हूं ठीक है और मुझे पता है कि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं तो यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मार्क्स पके कर लीजिए ठीक है वन मार्क्स को आप पक्के कर लीजिए कभी कभी क्या होता है कभी कभी हम आपके पास एंड बियरिंग ऑफ स्टिफनर को भी प्रोवाइड करते हैं मतलब कहा है जहां पे आपके पास ये वैब वाला पार्ट स्टार्ट हुआ उस वैब पार्ट पे हम क्या करते, है? ऐसा, करते है। हम हैं ऐसा ऐसा स्टिफनर को प्रोवाइड करते हैं इसको हम बोलते हैं एंड बियरिंग एंड बियरिंग स्टिफनर को हम प्रोवाइड करते हैं डू टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ वैब स्ट्रेंथ वैब अवॉइड द लोकल बैंडिंग फेलियर ऑफ द फ्लेंजेस तो क्या होगा जो ये फ्लेंजेस है ये फ्लेंज एंगल है इनके अंदर कोई भी लोकल बैंडिंग ना हो जाए इनको रोकने के लिए हम आपके पास एंड को प्रोवाइड करेंगे ठीक है एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि ये सब प्री में आता है भाई प्री में आती है सब चीजें अब हम बात करेंगे यदि आपसे कोई पूछे वर्टिकल स्टिफनर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं द बकलिंग ऑफ वेब देखो हमेशा ध्यान रखेंगे वर्टिकल स्टिफनर हम तब प्रोवाइड करेंगे जब आपके मेंबर के अंदर जो शेयर रहेगा वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है एंड लिखा हुआ है टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ वैब ड्यू टू दियर की वजह से प्रोवाइड करेंगे दूसरा हॉरिजेंटल की डेप बड़ी है ठीक है यदि आपके वैब की डेप्थ बड़ी, बड़ी हो जाए या आपके चांसेस ऑफ बकलिंग बहुत ज्यादा रहे वर्टिकल स्टिफनर टू क्लोज रहे ओनली द प्लेट अवेलेबल फॉर द वेब सेफ गार्ड अगेंस्ट द वेब बकलिंग ठीक है इन सभी के केसेस में हम होरिजेंटल आप स्टिफनर को प्रोवाइड करेंगे ठीक है मतलब क्या है लोकल बकलिंग के केस में आप इन होरिजेंटल स्टिफनर को प्रोवाइड करेंगे यदि आपका शेयर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है तो शेयर केस में आपको वर्टिकल स्टिफनर को प्रोवाइड करना पड़ेगा ठीक है एस्टिमेट ब्रिज टनल के एक शॉर्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट बना देंगे ठीक है ठीक है बिग बॉस बिग बॉस हो रहेगा कतई ठीक है मतलब बिग बॉस में क्या देखते हैं लोग मतलब आदमी टीवी मूवीज से देखता है इससे उसका माइंड फ्रेश हो वहां क्या पक्कर 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 मतलब सर में दर्द हो जाए और उससे ना लोगों में एक आ, लोगों के अंदर जो जो बच्चा छिपा हुआ है ना कि मैं कुछ बोल नहीं सकता वो लगता है कि मुझे बोलना चाहिए फिर क्या करता है वो घर में सबसे बहस करता है जितने भी लोग हैं ठीक है कि माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है रोज होती है क्लास तो भैया ऐसा इन चीज़ों को मत दिखा करो फिर है ना जिनसे लगता है कि यार हमारा ठीक है मतलब देखे ऐसे लोग मतलब इसमें ऐसे रैंडम क्या चेंज आ गया है तो ये चेंज वही है देख देख क्या आता है चलो नेक्स्ट करेंगे इंडस्ट्रियल रूफ की बात करते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं और मैक्सिमम हो सकता है कि आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हो ठीक है क्योंकि लोग क्या पढ़ते हैं कनेक्शन टेंशन मेंबर कंप्रेशन मेंबर काम खत्म और हो सकता है थोड़ा बहुत बीम पढ़ लिया बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो तो आते नहीं एग्जाम में बीम वैसे भी तो क्या होता है हम आपको पढ़ाएंगे इंडस्ट्रियल रूफ के बारे में तो इंडस्ट्रियल रूफ में आपके पास क्या आएगा इंडस्ट्रियल रूफ हम यूज करते हैं उसके लिए हम जो रूफ मटेरियल यूज करते हैं वो बेसिकली ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसका वेट काफी कम हो और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो तो क्या होता है जितने भी इंडस्ट्रियल रूफ है उनके लिए रूफ कवरिंग मटेरियल मान लो आपने बना दिया स्ट्रक्चर रूफ बना दिया आपने पूरा बिल्डिंग बनाया उसके ऊपर रूफ बना दिया उस रूफ में या तो आप क्या आते हैं आजकल तो प्लास्टिक की शीट आने लगी है वो लगा देते हैं रोज लेकिन पहले लोग स्लेट को लगाते थे स्लेट को यूज किया जाता था, था एज अ रूफ कवरिंग मटेरियल वो भी बेस्ट होता है क्योंकि क्या होता है वो वो आपके जो छत है ऊपर वाली को उसको ठंडा भी रखेगा और दूसरा उसका जो वेट होता है वो काफी कम होता है और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है इसमें क्या रहेगा इसमें इस एच इस, इस हाइट को हम राइज बोलते हैं और ये आपके पास लेंथ एल है टोटल लेंथ आपके पास एल है तो यदि मैं इस एंगल थीटा की कैलकुलेट करूं तो ये आपका क्या रहेगा ये आपका एच डिवाइड बाई एल बाय टू पे डिपेंड करता है ठीक है दूसरा चलिए अब हम बात करेंगे आगे देखेंगे जरा ध्यान से कि यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जो पिच होती है वो पिच आपका डिपेंड करता है राइज और स्पेन पर मतलब एच बाय एल की जो का जो रेशियो है उस पर डिपेंड करता है आपका पिच कि पिच आपका कितना रहेगा अब बात करते हैं कि आपके रूफ के ऊपर किस टाइप का लोड ऐड करता है इफ स्पेसिंग ऑफ ट्रस इज फोर मीटर जो आपके पिच रहेगी वो वन बाई फोर रहेगी एंड देन द सेल्फ वेट ऑफ ट्रस इज डब्ल्यू एल थ्री प्लस के सिक्स किलोग्राम पर सेंटीमीटर रटना पड़ेगा आपको यहां पे रटना पड़ेगा ठीक है यहां पे आपको रटना पड़ेगा अब ये पूछ रहे हैं कि सर स्लेट मेटामोर्फिक होती है हां जी हांजी ही होती है ठीक है ही होती है याद रखेंगे देखो यहां पर क्या रहेगा यहां पर आपके पास जो स्पेसिंग रहेगी ट्रसिस के अंदर वो मीटर रहती है बेसिकली यदि आप जितने रूफ यूज करते हैं और यहां पर जो लोड जाता है वो एक्सियल में जाता है ठीक है नो बैंडिंग और नो आपके पास कंप्रेशन नो कम्... बेंडिंग कंप्रेशन एंड नो कोई भी इसके अंदर कोई भी बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट नहीं होगा सिर्फ एक्सियल फोर्स की वजह से आपका लोड ट्रांसफर होता है इन द केस ऑफ रूफ कफरिंग ठीक है अब क्या होता है जो एंगल है आपके यदि आपके यदि एंगल की वैल्यू इस एंगल जो आप निकालोगे एच बाई एल बाई टू से यदि उसकी वैल्यू टेन डिग्री से बड़ी हो जाती है देन आपका जो लाइव लोड है जो आपका लाइव लोड है उसकी वैल्यू रो पॉइंट सेवन फाइव किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू किलोमीटर एवरीजी के एंगल के बढ़ने पर इतना इतना बढ़ जाता है ठीक है तो मतलब क्या है लाइव लोड की वैल्यू यदि थी, आपके थीटा के एंगल एंगलेंट दस 10%, 10 डिग्री से ज्यादा होती है तो आपके जो वेट है जो आपका लाइव लोड है उसकी वैल्यू में जीरो पॉइंट सेवन फाइव किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का इंक्रीमेंट हो जाता है ठीक है इतने का इंक्रीमेंट हो जाता है किस किस को नींद आ रही है कहानी सुनाऊ एक था राजा एक थी रानी ठीक है दोनों जिंदा हैं और कहानी भी चल रही है अभी किस चीज़ को नींद आ रही है नींद आने की बात क्या है यार अब तुमको था दो गई कतई हाँ मैं मानता हूँ स्टील स्टील का नाम ही स्टील है ठीक है उसको देख के लोगों को नींद आती है बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग यार कि तुमको सब कुछ नहीं पढ़ना है यू हैव टू लर्न इट और आपको ये याद करके आप बहुत सारी चीज़ सीख जाओगे यहाँ से और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको पता है ये चीज़ें कि ये मास्टर ने कॉम्पिटिशन बढ़ा दिया है ठीक है और ये कट ऑफ भी हाई जाएगी अब इस चक्करों में ठीक है तो अब क्या है कि कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो अब क्या कर सकते हैं भाई अब बच्चों को तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना भाई अब जिनको नहीं जिनको अब इनमें से कॉम्पिटिशन कर लो इनमें भी अब क्या है फायदा इस चीज से कि जो बच्चे जाएंगे वो क्रीमी जाएंगे एकदम उनको सब पता होगा पहले से चलो अब हम बात करें पर्लिन की सपोर्ट द रूफ कवरिंग मटीरियल रूफ मटीरियल को जो सपोर्ट करता है वो पर्लिन होता है ओके तो डिजाइन जो आपके पर्लिन का जो डिजाइन होता है वो बीम की तरह होता है जैसा आपका बीम होता है वैसे हम इसके पर्लिन को डिजाइन करते हैं दूसरा प्रोवाइड एट द ज्वाइंट ऑफ ट्रसिस टू अवॉइड द लोकल बैंडिंग ऑफ राफ्टर जो राफ्टर होते हैं उनके अंदर लोकल बैंडिंग ना हो जाए उसको रोकने के लिए हम इन पर्लिन को ज्वाइंट पे बाय द हेल्प ऑफ क्लीट नाम सुनो क्लीट का क्लीट मैंने आपको बताया था पहले कि यदि आपके पास ये राफ्टर है तो इस राफ्टर पे आपका एक ऐसा क्लीट लगा होगा और उस क्लीट से ये आपके पास जो पर्लिन है वो आपके ऐसे कनेक्ट रहते हैं आपके ऐसे कनेक्ट रहेंगे ठीक है तो आपसे पूछे ठीक है अभी एक बात तो ध्यान रखेंगे कि यदि मैं आपके पास ये पर्लिन को यूज कर रहा हूं तो आपसे पूछा जाएगा के अंदर कौन सा लोड आपका रहेगा तो आप बोलोगे पर्लिन के अंदर हमेशा इस यूज एंड डिजाइन एज अ फ्लेक्सर मेंबर जैसे बीम आपके पास एक फ्लेक्सल मेंबर होता है वैसे पर्लिन भी आपका एक फ्लेक्सर मेंबर ही रहेगा ठीक है प्लास्टिक भी करवा रहा हूं यार क्यों क्यों आप टेंशन ले रहे हो अब बात करते हैं टैबुलर टैबुलर सेक्शन सेक्शन ऑल अदर आर सब्जेक्टेड टू बाय सिर्फ ऐसे होते हैं जिनके अंदर यूनि एक्सियल बैंडिंग होती है ठीक है सिर्फ एक्सल में फेल होगा नहीं तो और सभी मेंबर के अंदर आपके पास बाय एक्सियल बैंडिंग होती है मतलब क्या है बैंडिंग इन टू डायरेक्शन टू प्लेन में आपके पास बैंडिंग रहेगी अब क्या होता है डिजाइन ऑफ पर्लिन में क्या रहेगा कि इफ थीटा इज नॉट इज थर्टी डिग्री तो लाइव लोड की वैल्यू आपकी जीरो पॉइंट ज्यादा नहीं होने चाहिए दूसरा, वो आपका एल बाईव आपकी एल बाय से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इट नॉट लेस देन एल ठीक है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हम आपके पर्लिन के अंदर लेते हैं वो डब्ल्यू एल बाई टेन होता है टेकन एज अ कंटिन्यूस बीम ठीक है पर्लिन को हम क्या करेंगे एक जो कंटिन्यूस बीम की तरह डिजाइन करेंगे और उसमें जो लोड होता है वो आपका डब्ल्यू एल बाई टेन रहेगा ठीक है मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होता है आपके पास पर्लिन के अंदर वो आपका इज नॉट इक्वल टू गाय थ्री ट्वेंटी फाइव इसको भी याद रखेंगे ठीक है फिर हम बात करते हैं कि जो आपके पास पर्लिन है उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी डिपेंड करती है टू पी प्लस के आर पे टू पी प्लस के आर पे डिपेंड करेगा इसमें हम बोल देते हैं कि इस जो आपके पास कॉस्ट ऑफ पर्लिन है उसका ट्वाइस करो और साथ में जो आपके पास कवरिंग मटेरियल है उसकी कॉस्ट को ऐड कर दो तो मेरे पास क्या होती है टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पर्लिन के अंदर ऐसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है जो आपने पूरा पूरा ट्रस्ट बनाया था उस ट्रस्ट के अंदर पर्लिन की कॉस्ट और रूफ कवरिंग मटेरियल की कॉस्ट को मिला के हम टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर हाँ टू इन द कोस्ट ऑफ बर्लिन स्टील के का ही है सर स्टील का ही सर राजस्थान जे के नी डेट आ गई है बारह जून हाँ उसके उसकी, उसकी करवाते हैं हम ठीक है अब देखो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ मैं आपको समय में आ चुका है हम बात करेंगे प्लास्टिक एनालिसिस पे बहुत से बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है इसके अंदर उसको दूर करते हैं अभी सर मैक्सिमम लोड कितना होता है 450 होता है या फिर 750 होता है अरे मैं आपको बता चुका हूं ना पहले भी देख लो जरा ध्यान से यहां पे ठीक है देखो जब भी मैं आपके पास डिजाइन करूंगा तो डिजाइन जो किया जाता है लोड पे लोड की कैलकुलेशंस पे वो पर्लिन के अंदर क्या रहेगा कि मैं पर्लिन का जो लोड है वो डिपेंड करता है आपकी लाइव लोड की कंडीशन पे लाइव लोड की वैल्यू क्या होती है ऐसा हो तो जाता है कि पर्लिन का जो एंगल है रूफ कवरिंग मटेरियल में जो हम पर्लिन को यूज़ करें तो रूफ कवरिंग मटेरियल का जो एंगल है रूफ का जो एंगल है यदि वो टै डिग्री से कम है तो जो आपका लाइव लोड आ रहा है उसको ले लो जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जीरो पॉइंट सेवन फाइव से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हर एंगल के बढ़ने पर और उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे आपके पास प्लास्टिक एनालिसिस की बात करता हूं मैं यहां पर तो प्लास्टिक एनालिसिस करते क्यों है ठीक है अब देखो क्या होता है द प्लास्टिक एनालिसिस डिजाइन द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग इज नेग्लेक्ट बिकॉज रेंज ऑफ डिफॉर्मेशन आर नॉट एक्सेप्टेड इन ए स्ट्रक्चरल डिजाइन ठीक है देखो जो आपके पास स्ट्रेन हार्डनिंग होती है क्या होती है स्ट्रेन हार्डनिंग बताओ मुझे पहले कोई एक, कोई भी बच्चा बता दो एक कि बताओ जो स्ट्रेन हार्डनिंग होती है वो क्या होती है किसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग ठीक है चलो बताओ पहले एक बार कि स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होती है देखो जब मैंने आपको मेंबर स्टील के सेक्शन के का जो मेंबर था उसका ग्राफ दिखाया था तो मैंने दिखाया था कि उसके अंदर मेंबर के अंदर ये आपके पास यहाँ सेल्ड स्ट्रेस गया फिर प्लास्टिक हुआ फिर ये बड़ा फिर इसके स्ट्रेन हार्डनिंग हुई फिर आपका ये टूट गया फ्रैक्चर के अंदर तो ये जो आपके पास ये वाला इफेक्ट है ना ये वाला इफेक्ट ये स्टील सेक्शन के लिए अंदर हम डिजाइन नहीं करते हैं ठीक है स्टील सेक्शन के अंदर हम इस वाले के डिजाइन को डिफॉर्मेशन को हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं और वहीं से आपका प्लास्टिक एनालिसिस का डिजाइन होता है मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास एक मेंबर ये था ठीक है मेरे पास क्या था मेरे पास मेंबर ये था अब मैं कहता हूं कि इस मेंबर के ऊपर मैंने इतना लोड लगाया कि ये आपका टूट जाएगा तो डिफॉर्मेशन हुआ तो मान लो कि इसकी मेंबर की जो लेंथ है वो ऐसी हो गई ठीक है बट क्या हुआ कि इस लोड को मैं इतना लगाऊं इतना लगाऊं कि ये मेंबर के अंदर क्या हो जाए ये फ्री हो जाए दिस इज फ्री टू रोटेट तो यदि आपका ये फ्री टू रोटेट रोटेट हो जाएगा दैट मीन्स कि यहाँ पर एक हिंज बन गया है तो क्या होता है जब मेंबर के ऊपर लोड ऐड करता है जब आपके पास मेंबर के ऊपर एक लोड ऐड करता है तो उसमें पहले वो एल्डिंग होगी एल्डिंग के बाद क्या करेगा कि मुझे मैक्सिमम ये चेक करना है वो जो एल्डिंग हुई है वो सिर्फ उस सेक्शन के उस पॉइंट पे हुई है जहाँ पे लोड की जो वैल्यू है वो उसकी परमिशल वैल्यू से बढ़ गई है लेकिन जो आपके पास प्लास्टिक एनालिसिस है वो क्या करेगा वो उस पूरे मटेरियल में उस पूरे मटेरियल में हर पॉइंट पे आपकी वैल्यू एल्डिंग से ज़्यादा हो जाती है और वहां पे आपका एम बन जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक हिंज यहाँ पे मोमेंट रहेगा एम का तो क्या हो हर पॉइंट पे आपके पास इल्ड स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाती है और वहीं से हम प्लास्टिक एनालिसिस को डिफाइन करते हैं ठीक है वहीं से हम आपके प्लास्टिक एनालिसिस को डिफाइन करेंगे तो इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आर नॉट एक्सेप्टेड इन एनी अदर स्ट्रक्चर डिजाइन एजम्पन क्या होते हैं

कि भाई एक्चुअली ये होते क्या है तो जरा ध्यान से देखो इसको दो क्या है यहाँ पे कि जब मैं आपका एक ग्राफ बनाऊं तो यहां पे मेरे पास एक मेंबर था और ये मैं न्यूटल एड कर रही थी तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि कंप्रेशन और टेंशन में जो स्ट्रेन रहेगा वो आपका सेम रहेगा लेकिन जैसे जैसे मेरी जो स्ट्रेस है वो बढ़ती रहेगी तो क्या होगा वो हो सकता है कि यहाँ पे जो स्ट्रेस रहे वो आपके पास एफ वाई हो जाए ठीक है एल्डिंग हो और ये एल्डिंग किस पे हुई होगी ये आपके एम वाई के लोड पे एल्डिंग हुआ होगा एम वाई जहां पर एड कर रहा होगा वहां पे क्या होगा ये मेंबर आपके कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी एल्डिंग की स्ट्रेस को ऐड कर रहा होगा लेकिन क्या होगा जैसे ही इस पर प्लास्टिक मूवमेंट रहेगा तो हर सेक्शन पे हर सेक्शन पे यहां भी 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 सेक्शन पे हर सेक्शन पे इसमें आपके पास प्लास्टिक मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा और वो आपका एल्ड में फेल हो जाएगा अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो हमें बेवकूफ बना दिया कैसे क्या न्यूट्रल एक्सिस पे कभी कोई स्ट्रेस ऐड करती है क्या एग्जिल स्ट्रेस नहीं ऐड करती है ठीक है ना तो उसके पास कोई बैंडिंग स्ट्रेस ऐड करेगी बैंडिंग मोमेंट तो जीरो होता है ना सेंटर पे सेंटर पे आपके पास जीरो रहेगा तो आपने कैसे यहां पे ये एफ वाई बना दिया यहां पे आपने कैसे इसको स्ट्रेट लाइन बना दिया ठीक है आप में से पूछा था किसी ने एक बार ऑफलाइन क्लास में कि सर यहां पर तो आपके पास बैंडिंग मोमेंट जीरो रहता है तो यहां पर तो आपका इल्ड स्ट्रेस होनी नहीं चाहिए फिर आपने यहां भी बना दिया कैसे बना दिया आपने ओके okay, तो ध्यान रखिए इस बात को ये जो शेप रहती है ये शेप आपके पास ऐसी रहती है इफ दिस इज लाइक दैट ये आपके पास शेप आपका ये जीरो फिर ये आपके पास ऐसा फिर आपके पास ये ऐसा ठीक है तो ये आपके पास कोई बेहूफ नहीं बनाया हो बट ये आपका ऐसा बनता है ये आपका ऐसा बनता है ठीक है तो हम मान लेते हैं कि ये सेक्शन है पे आपके पास जीरो रहेगा बैंडिंग मोमेंट बट हम बोलेंगे कि जो इल्डिंग है आपके पास वो सेक्शन के हर पॉइंट पे हो जाइए तो क्या होता है बेसिकली बेसिकली हम यहाँ पे एक शे फैक्टर को डिजाइन करते हैं शे फैक्टर क्या होता है कि जब आपके पास इल्डिंग में फेल हुआ हो जब आपके हर पॉइंट पे एफ वाई रहा हो और दूसरा प्लास्टिक मोमेंट जो आपका एम पी रहा हो जिसपे हर पॉइंट पे आपके पास क्या हो हिंज प्रोड्यूस हो गया हो उन दोनों के रेशो से हम आपके शे फैक्टर को डिजाइन करते हैं ठीक है एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई तो यहां से हम क्या करेंगे M को कैलकुलेट कर लेंगे आपके पास एफ वाई इंटू जेड की फॉर्म में इस Z क्या आपके पास जेड आपका कुछ नहीं है I by y का जो है है वो आपका ठीक uh, है नेगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए ठीक अब हम बात करेंगे यहां पे तो इट इज डिपेंड ऑन कंडीशन ना कि आप किसको पॉजिटिव मान रहे हैं किसको नेगेटिव मान रहे हैं और जो एम है वो एमपी आपके डिपेंड करता है आपके सेक्शन पे मान लो कि आपका सेक्शन ये रहा तो यहां पे क्या करेगा इस सेक्शन को आप दो भागों में बांटिए और वहां से y1 वन बार और y2 टू बार को कैलकुलेट है, तो है? है, है अब मैं आपसे पूछू कि ये तो आपके पास स्टील सेक्शन रहेंगे बेसिकली स्टील, स्टील रहें में आप पढ़ रहे हैं, प्लास्टिक को तो इनमें और जो आप कॉन्क्रीट रेनफोर्स को करते हैं रेनफोर्स कॉन्क्रीट को पढ़ते हैं उनमें क्या डिफरेंस है देखो ध्यान रखेंगे इस बात को कि इन ए कॉन्क्रीट स्ट्रेन कंट्रोल्ड अप्रोच हमेशा क्या होती है जितने भी आपके पास कॉन्क्रीट होती है उनके अंदर आपके पास स्ट्रेन कंट्रोल अप्रोच होती है क्या हमें पता होता है कि आपके मेंबर के आपके मेंबर के आउटर मोस्ट फाइबर पे जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री फाइव वैल्यूज का स्ट्रेन रहा होगा लेकिन स्टील के अंदर क्या होता है स्टील आपका एक स्ट्रेस कंट्रोल्ड अप्रोच है ठीक है ये आपके कोलैप्स मूवमेंट पे डिपेंड करता है एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यदि अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बनेगा कैसे बनेगा बोलेगा आपसे कि इन ए कॉन्क्रीट दिस इज अ स्ट्रेन कंट्रोल्ड अप्रोच और इन ए स्टील देयर इज ऑल्सो स्ट्रेन अप्रोच स्ट्रेन कंट्रोल अप्रोच ऐसा नहीं होता है आपके कॉन्क्रीट के अंदर स्ट्रेन कंट्रोल्ड अप्रोच होती है क्योंकि हमें पता होता है आउटर मोस्ट फाइवर पर आपके पास कितना स्ट्रेन रहेगा लेकिन क्या होता है स्टील के अंदर एल्डिंग होती है तो वहां पे क्या रहेगा वहां पे आपके पास स्ट्रेस कंट्रोल्ड अप्रोच होती है और वो आपके कोलैप्स मूवमेंट पे डिपेंड करेगा तो डिस्क डिपेंड्स ऑन द कोलैप्स मोमेंट, ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे हम बात करेंगे आपके पास लोड फैक्टर या आपका होता है कि जो आपके पास आ, प्लास्टिक सेक्शन मॉडल्स है और जो आपके पास इलास्टिक सेक्शन मॉडल्स है उसका रेशो या फिर एमपी बाई एम वाई एम पी बाई एम वाई का रेशो होता है ठीक है तो ये जो आप एमपी बाई एम वाई का रेशो लेते हैं शे फैक्टर निकालते हैं ये सिर्फ आप स्टील में निकालते हैं आरसीसी में नहीं निकालेंगे क्योंकि आर सी में क्या होगा आपका स्ट्रेन कंट्रोल्ड अप्रोच है ओके okay? और यहां पे आपके पास स्ट्रेन स्ट्रेन कंट्रोल्ड अप्रोच नहीं है रे बाबा बात समय सभी को तो ये बात ध्यान रखेंगे हम बात करते हैं आपके पास एक आपके पास होता है लोड फैक्टर का नाम सुनागा आपने लोड फैक्टर क्या होता है वो आपके एम पी बायवाई पर डिपेंड करता है और ये लोड फैक्टर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू द सेफ फैक्टर होता है ठीक है लोड फैक्टर क्या रहेगा आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन सेफ फैक्टर आपके पास रहता है इसको ध्यान रखेंगे ठीक अब हम बात करेंगे नॉट इन आरसी ओनली डिजाइन इन आपके पास ये रहेगा दूसरा होता है आपके पास मार्जिन सेफ्टी ओनली इन ब्रिटल मटीरियल जितने आपके पास ब्रिटल मटीरियल होते हैं उसमें हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर चलते हैं वो क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी माइनस के वन होता है ठीक है फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैल्यू आपकी वन के फैक्टर सेफ्टी में में से यदि आप वन कर दोगे तो आपको मार्जिन जैसे मैं आपके बात करता हूं एम बाई आई को एम बाई आई टू सिगमा बाई वाईस टू ई बाई आर तो यहां पे आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है और वन अपन आर को हम बोलते हैं। तो एट द स्टेज करवेचर कर्वेचर इज इन्फिनिटी जहां पे आपके पास क्या रहेगा जहां पे आपके पास रेडियस की वैल्यू जीरो हुई रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू जीरो हुई वहां पे कर्वेचर वन पॉइंट जीरो हो जाएगा और इसको हम इंफेनाइट बोल देते हैं नोट ठीक है तो इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज वेरी हाई तो मतलब क्या है जैसे ही आपके पास आपके मेंबर के अंदर प्लास्टिक हिंज डेवलप हो जाएगा हर पॉइंट पे आपके पास एम वाई एम एम पी एम पी एम पी बन जाएगा तो वहां पे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपके पास वो रहेगा वो जीरो हो जाएगा और आपके पास कर्वेचर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी मतलब वहां पे स्लोप का चेंज बहुत ज्यादा रहेगा आ रही बात समझ सभी को तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि बताओ एज इन अ प्लास्टिक स्टेज जहां पे आपके पास फुल्ली प्लास्टिकली हो गया है तो बताओ आपके पास जो कर्वेचर होती है वो कितनी होती है तो आप लिख, लिखते हैं उसमें वन होती है जीरो होती है इन्फिनिटी होती है या नन ऑफ दीज होती है तो क्या रहेगी दिस इज द इनफेनाइट वैल्यूज ओके okay, तो प्लास्टिक स्टेज पे क्या रहेगा वाई की वैल्यू जीरो रहेगी एंड वन बाई आर की वैल्यू आपकी इनफिनिटी हो जाएगी ठीक है अब क्या होता है अब जो बच्चे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते आपके प्लास्टिक एनालिसिस को तो वे शेफ फैक्टर याद कर सकते हैं क्योंकि तो शेफ फैक्टर आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है ठीक है अब इनके इनके काम की चीज आई है तो ये ध्यान सुनेंगे शे फैक्टर आपके डिफरेंट सेक्शन पे क्या रहेंगी रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर जो शे फैक्टर रहता है वो आपका 1.5 होता है ठीक है इनको सोल नहीं करना है आपको क्योंकि आपके पास क्या रहेगा आपके पास ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको याद रखिए तो क्या रहेगा कितना रहे ये आपका होता है।, और यदि आपके पास है तो टू वैल्यू वन से फोर के बीच में होता है यदि आपके पास सेक्शन है तो आपके पास क्या रहेगा वन रहता है ठीक है डायमंड सेक्शन आपके पास टू रहेगा ठीक है अब एक बात तो ध्यान रखेंगे यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है आपके पास क्या से पूछ जाएगा कि बताओ जो ये शे फैक्टर है क्या ये कभी स्ट्रेंथ को बताता है जितना से फैक्टर ज्यादा क्या उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा ना शे फैक्टर कभी भी आपकी स्ट्रेंथ को डिफाइन नहीं करता है मोर द शे फैक्टर डज नॉट इंप्लाई मोर स्ट्रेंथ ना इधर डस इट इंप्लाई इम्प्लाय अर एफिशियंट क्रोसेक्शन सेफ फैक्टर जाता है वो उसको डिपेंड नहीं करता है इट इज ओनली डिफाइंड एम पी बाय एम वाई यदि कोई बोलता हूं उससे कि क्या सेक्शनल मोडल्स करता है हां जी सेक्शनल मोडल्स आपकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है उसको लेके चलता है लेकिन कभी भी आपका जो शेप फैक्टर है ना तो वो कभी आपकी स्ट्रेंथ को बताता है और ना कभी भी ये बताता है कि आपका जो सेक्शन है वो कितना एफिशेंट है ठीक ये बात आप ध्यान रखेंगे तीसरा यदि आपके पास ट्राइंगुलर सेक्शन है ट्रेंगुलर सेक्शन की वैल्यू जो सेफ फैक्टर होती है वो आपका 2.34 होती है और ये कई एग्जाम में पूछा गया है कई एग्जाम में पूछा गया है कि सेफ फैक्टर की वैल्यू आपकी कितनी होती है ट्रेंगुलर सेक्शन के लिए तीसरा यदि आपके पास ये होलो सेक्शन है ऊपर आपकी थिकनेस टी है तो क्या होगा उसमें सेफ फैक्टर की वैल्यू आपके पास क्या वन पॉइंट टू सेवन होती है दिस इज वन पॉइंट टू सेवन बाहर सभी को मजा आ रहा है सभी को पढ़ने में नहीं आ रहा है आप बच्चे कम लग रहे हैं कैसे वैसे पर कोई बात नहीं बढ़ जाएंगे अभी कुछ सो के नहीं उठे होंगे सुबह सुबह उठते नहीं रात को पढ़ते हैं ना ये इंजीनियर्स इंजीनियर हो रहे हैं कतई चलो कोई बात नहीं अब देखो अब हम बात करेंगे कोलैप्स लोड फॉर अ स्टैंडर्ड केसेस अब क्या होता है कुछ कोलैप्स लोड की वैल्यू आपको यूज याद करनी पड़ेगी तो प्लास्टिक हिंज क्या होती है द बीम रोटेट टू द मूमेंट एमपी रिजिड बॉडी रोटेशन दैट प्लेस एंड स्ट्रेंथ इज अनस्टेबल ठीक है तो प्लास्टिक हिंज के केस में आपके पास जो मेंबर रहता है उसमें मोमेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है पूरा एमपी बन जाएगा और वहां पे आपके पास जो सेक्शन रहेगा वो आपका अनस्टेबल रह जाएगा ठीक है अब क्या होता है मैकेनिज्म की जाती है इसके अंदर कि प्लास्टिक एनालिसिस जो बना वो कैसे सेगमेंट पे बना और कहां पे ज्यादा बना कहां पे एड करेगा तो वहां पर हमें मकैनिज्म पे काम करना पड़ता है और ये आपके प्लास्टिक एनालिसिस का पार्ट है दिस इज द पार्ट ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस ठीक है अब हम बात करेंगे कि प्लास्टिक के अंदर हम कैसे डिफाइन करते हैं देखो जितना आपके मेंबर के अंदर स्टैटिकल स्टेटिकल है, उसके बिहाफ पे हम आपके नंबर ऑफ हिंज को डिस्क्राइब करते हैं यदि मैं आपके नंबर ऑफ हिंज को प्रोवाइड कर रहा हूं एज पर द प्लास्टिक हिंज की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ एज पर द स्टेटिकलीम बीम पे तो हम उसको डीएस बोल देते हैं भाई डीएस आपका ये रहेगा तो जो आपके पास नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज बनते हैं तो वो ये बनते हैं जितना आपका के मेंबर के अंदर स्टेटिक इंडसी है डीएस उसमें आप वन को एड कर दीजिए उतने आपके नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज बनते हैं ठीक है उतने आपके पास उतने आपके पास क्या रहेंगे प्लास्टिक हिंज बनेंगे टू मेक द स्टेटेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक तो आपका डीएस प्लस वन हो जाएगा आ रही बात सुनें सभी को अब हम बात करेंगे मैं अब बात करूं प्लास्टिक के लिए आप कौन कौन सी कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं तो बेसिकली हम तीन कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन मैकेनिज्म कंडीशन और इन सभी पे डिपेंड करते हैं अब बात करेंगे कि में, DS, जो डीएस है, है आपके पास ठीक है मेंबर है और मुझे बताना है डीएस ठीक है तो मेंबर को यहां से काटो थ्री सी माइनस के आर आर क्या कट एंड नंबर ऑफ रेस्टेंड रिक्वायर्ड तो रेस्ट्रेंड रिक्वायर्ड क्या होता है टू मेक द फिक्स सपोर्ट तो तो जीरो हो गया और कट करोगे एक कट किया है तो तीन इंटू वन तो ये डीएस हो गया ऐसे हम इसके डीएस को कैलकुलेट करते हैं ठीक है स्टेटिकली इनडिटमेसी को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं ठीक है कोई बात नहीं रोहित जी आप ती, आप तैयारी करिए और नहीं निकलेगा यूपी में तो कहीं और तो निकलेगा भाई ठीक है देखो अब सीज बात किया आपने टाइम दिया है तो आप छोड़ो मत उस चीज को उस पर काम करो अच्छे से चलिए अब हम बात करेंगे कि इन आप बात करता हूँ होती है और जो आपके पास इल्ड कंडीशन होती है मैं उसमें डिफरेंस क्या होता है तो जो मैकेनिज्म कंडीशन होती है एट द कोलैप्स ठीक है तो क्या होगा जितने भी आपकी मैकेनिज्म कंडीशन होगी तो उसमें क्या होगा कि उसमें नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज क्या होते हैं वो आप जिस जिस पॉइंट पे बनने होंगे उस पर बनेंगे दूसरा इल्ड कंडीशन क्या होती है एट कोलैप्स बैंडिंग मोमेंट एट इन सेक्शन क्या रहेगा वो आपका एमपी से कम रहेगा एल्ड कंडीशन में क्या होता है सिर्फ विल्डिंग होती है वहां पे आपके पास फुल्ली प्लास्टिक जो मूवमेंट है वो डेवलप नहीं हो पाया है प्लास्टिक मूवमेंट आपका डेवलप नहीं हो पाया ओके okay, ये बात ध्यान रखें अब यदि आप फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको हम अपर बाउंड थ्योरम बोलते हैं यदि आपके मेंबर को यूज किया जा रहा है काइनामेटिक मेथड यूज किया जा रहा है तो आप इक्वलबीरियम और मैकेनिज्म कंडीशन को यूज कर सकते हैं और उसको हम आपका अपर बाउंड थ्योरम रहते हैं और अपर बाउंड थ्योरम में जब भी आप मैकेनिज्म को यूज करोगे ना जब भी आप मैकेनिज्म को यूज करोगे तो हमेशा आपका प्लास्टिक हिंज बन चुका है और जो लोड आएगा वो आपके अल्टीमेट लोड से ज्यादा ही आएगा क्योंकि तो हर पॉइंट पे मैकेनिज्म बन चुका है और स्ट्रक्चर आपका अनस्टेबल हो चुका है दूसरा यदि आप फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन को यूज करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड द इल्ड कंडीशन को यूज करेंगे तो क्या रहेगा हम स्टैटिक मेथड को यूज करते हैं और उसको हम लोअर बाउंड थ्योरम बोलते हैं उसमें लोड की वैल्यू आपके अल्टीमेट लोड से कम आती है ठीक है तो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आएंगे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा गौरव जी तो मीना जी यहां से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आप भी राजस्थान के लिए पढ़िए जरा ध्यान से इसको कि देखो आपके पास पूछ जाएगा कि बताओ कि यदि आपके पास आपने जो कंडीशन यूज की वो इक्विलियम और मैगनिजियम कंडीशन यूज की तो क्या ये अपर बाउंड थ्योरम है लोअर बाउंड थ्योरम है तो आप बोलोगे यदि आपने इक्विलिब्रियम और मैकेनिज्म कंडीशन को यूज किया तो ये आपके पास अपर बाउंड थ्योरम है और दूसरा इसमें जो लोड एड करता है वो आपके अल्टीमेट लोड से ज्यादा होता है ये बात ध्यान रखेंगे ना तीसरा लोकेशन वेयर प्लास्टिक हिंज कैन बी फॉर्म प्लास्टिक हिंज पे बन सकता है प्लास्टिक हिंज वहां पे बनता है जहां पे आपके पास क्या रहेगा बैंडिंग मूवमेंट जहां पे आपके पास जो बैंडिंग मूवमेंट है उस पर आपका रहेगा दूसरा फिक्स सपोर्ट पे रिस्क सपोर्ट पे बन सकता है आपके पॉइंट अंदर द लोड बन सकता है तीसरा वेयर द क्रॉस क्रोसेक्शन इस चेंजेस जहां पे आपके पास जो क्रॉस सेक्शन है वो चेंज कर रहा है वहां पे बन सकता है लेकिन फ्री सपोर्ट पे कभी भी आपका प्लास्टिक हिंज नहीं बनेगा आई बात समझ सभी को तो जहां पे भी आपके पास फ्री सपोर्ट रहेगा वहां प्लास्टिक हिंज नहीं बनता है क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है देखो सिंपल सी बात यह है कि मतलब मान लो कि मेरे पास ये एक कैंटरी बीम है ठीक है कागज की कैंटरी बीम है तो इस मेंबर को कोई रोक ये आपके पास फिक्स सपोर्ट है इस मेंबर को रोकने वाला कोई है ना पर इसको तो रोकने वाला कोई नहीं है तो यहां पे कभी भी आपके पास एमपी नहीं बनेगा ओनली जहां पे कोई रोकने वाला है वहीं पे एमपी बनेगा ठीक है अब हम बात करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या क्या होती है तो दैट इज कुछ आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू उनको याद रखेंगे डब्ल्यू की वैल्यू आपकी फोर एमपी बाई होती है यदि आपके पास आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है ठीक है सिर्फ एमपी यहां बनेगा और एमपी यहां बनेगा दो ही जगह एमपी बनेगा यदि आपके पास क्या है यदि आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट लोड है तो एट एमपी बाइ एल इसका हो जाता है दिस इज

कि आपके मेंबर ऐसे हैं कि वो एल्डिंग के आने से पहले ही फेल कर जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम सिलेंडर सेक्शन बोलते हैं दूसरे आपके पास होते हैं सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन क्या होते हैं ठीक है जो आपके पास क्या रहेगा जो आपके पास सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन होते हैं वो सेक्शन वो होते हैं कि डेवलप द इल्ड मूवमेंट ओनली कैन नॉट डेवलप द प्लास्टिक हिंज जिनके अंदर क्या होता है सिर्फ मोमेंट डेवलप होता है उनके अंदर कोई भी एमपी या प्लास्टिक कॉम्पैक्ट सेक्शन आपके वो सेक्शन होते हैं कि कैपेसिटी टू डेवलप द प्लास्टिक मूवमेंट बट कैन नॉट रोटेट मतलब क्या है कि आपके मेंबर के अंदर प्लास्टिक मूवमेंट बन चुका है बट दिस प्लास्टिक मूवमेंट इज नॉट अनस्टेबल वो अनस्टेबल नहीं है वो रोटेट नहीं करेगा पर एमपी पहुंच चुका है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम कॉम्पैक्ट सेक्शन बोलते हैं और प्लास्टिक सेक्शन कौन से होते हैं जिनके अंदर आपका प्लास्टिक हिंज भी बन चुका है प्लास्टिक मूवमेंट आ चुका है और वहां पे क्या रहेगा आपका सेक्शन अनस्टेबल हो चुका है वो आपका रोटेट कर सकता है तो इन सभी में डिफरेंस होता है एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि बताओ कॉम्पैक्ट सेक्शन के अंदर क्या प्लास्टिक मूवमेंट बनता है और क्या वो रोटेट होता है नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं ठीक है थीके? तो ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यूपीपीसीएल है और जो भी मतलब अच्छे एग्जाम होते हैं जीपीएससी क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा ठीक है हर जगह से क्वेश्चन स्टील में जब भी आप यूज करते हैं तो पहला उनका क्राइटेरिया होता है ठीक है पहला आपका का कॉन्सेप्ट यही रहता है कि भैया यहां पे हम इस पे काम करेंगे ओके चलो अब मान लो क्या है कि आपका सेक्शन ऐसा रहे तो आप याद रखेंगे कि आप डब्लू एक्ट कर रहा है दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट है तो आपके डब्लू की वैल्यू जो लोड रहेगा जिसको हम कोलेब्स लोड बोलेंगे वो टू एम पी एल बाई ए बी की वैल्यू होती है देखो वहाँ पे आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होगा कि आप इसको सोल्व करके देखेंगे आपको डायरेक्ट याद रखना है कितनी वैल्यू रहेगी तीसरा ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि यदि आपके पास एक फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पे आपके पास क्या लग रहा हो यहाँ पे आपके पास यहाँ ये वाला सपोर्ट लग रहा हो ठीक है तो क्या रहेगा कि इस वाले केस में आपके पास जो

ठीक है तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं ओके okay, अब हम बात करेंगे कि प्लास्टिक लेंथ की बात क्या होती है प्लास्टिक लेंथ जिसको हम एलपी बोलते हैं तो कई बार आपसे पूछ जाता है कि प्लास्टिक जो हिंज बना वो कितने जोन में बना उसको के लिए हमें आपको लेंथ ऑफ हिंज को कैलकुलेट करना पड़ता है तो क्या होता है जोन ऑफ एल्डिंग इलास्टिक प्लास्टिक जोन ऑफ एल्डिंग लेंथ ऑफ द बीम बिटवीन द लोकेशन ऑफ एम वाई और एम पी देखो कैसे हम काम काम करेंगे ऐसे हम काम करते हैं कि यदि मेरे पास ये मेंबर है यहां पे W एड कर रहा है तो W जहां पे लोड एड कर रहा होगा हाँ प्रोप कैंटिलीवर ठीक है यदि आपका W एड कर रहा होगा तो यहां पे सेंटर पे आपके पास क्या रहेगा MP डेवलप होगा और उसके यहां पे एम वाई एम वाई डेवलप होगा तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपके पास MP डेवलप हुआ ये कितने जोन में LP की हिंज की वैल्यू डेवलप होगी तो उसको कैलकुलेट करने का यहां पे निकाल रखा है तरीका बट आप इसे याद रखेंगे एल को निकालने का इसलिए इसे याद रखेंगे कि एल पी इक्वल्स टू एल वन माइनस वन अपॉन के की पावर वन बाई टू जहां पर जो के होता है वो आपका शेप फैक्टर होता है कि आपके पास क्या रहेगा शेप फैक्टर तो यहां पे आप शेप फैक्टर की वैल्यू को पुट कर दो और किसी भी सेक्शन के अंदर आप लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज को कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है कैलकुलेट कर सकते हैं अब क्या होता है यदि मैं प्लास्टिक एनालिसिस फ्रेम के लिए करता हूं ये लास्ट टॉपिक है आपका ठीक है यदि मैं आपके प्लास्टिक एनालिसिस फ्रेम के लिए करता हूं पटेलों नहीं कम बस नहीं बचा हुआ है देखो प्लास्टिक एनालिसिस यदि मैं फ्रेम के लिए करता हूं तो उसमें क्या होता है उसमें हमें तीन तरह की मैकेनिज्म करनी पड़ती है पहला होता है बीम मकेनिज्म मतलब इस वाले सेक्शन को हमने डिजाइन कर लिया दूसरा होता है आपके पास स्वे मकेनिज्म जब इस पे पी लोड यहां से ऐड कर रहा होगा तो ये आपका ऐसे मूवमेंट करेगा ये आपका ऐसे मूवमेंट करेगा और जहां जहां पे आपके पास प्लास्टिक बन सकता है वहां बनेगा तीसरा होता है आपके पास कंबाइंड मकेनिज्म मतलब क्या है बीम वाला भी बन रहा है और आपका ये जो सेक्शन है ये वाला ये भी आपका रोटेट कर रहा है तो तीन तरह के मैकेनिज्म पे हम काम करते हैं बस आपको एक बात ध्यान रखनी है इस मैकेनिज्म के अंदर इस मैकेनिज्म के अंदर आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी मैं आपके पास कंबाइंड मैकेनिज्म करूंगा ठीक है जब भी मैं आपके पास कंबाइंड मैकेनिज्म करूंगा तो मैं इस बी बी सपोर्ट पे जहां पे भी आपका लोड ऐड कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में जो बी सपोर्ट रहेगा पहला उस पर कोई भी प्लास्टिक हिंज डेवलप नहीं होगा ठीक है इस पर क्या होगा इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ द नेट मूवमेंट बी द वेरी लेस ठीक है तो क्या रहेगा यदि मैं बी की बात करूं तो बी पे क्या रहेगा बी का मूवमेंट भी आएगा और आपके पास इस सपोर्ट का मूवमेंट भी रहेगा इस वाले वर्टिकल कॉलम का तो क्या रहेगा यहां पे आपके पास मूवमेंट के चांसेस काफी कम रहते हैं तो वहां पे प्लास्टिक हिंज होने के चांसेस काफी कम हो सकते हैं तो इसलिए क्या करते हैं हम बी पे इन द केस ऑफ कंबाइंड मैकेनिज्म हम बी पे कोई भी प्लास्टिक मूवमेंट को क्रिएट नहीं करते हैं और सब पे हम प्लास्टिक मूवमेंट को क्रिएट कर सकते हैं ठीक है तो यहां से आपने निकाल भी लिया कि number of कितने प्रोड्यूस होंगे तो छ मैं के तीन और चार हो जाएंगे नहीं तो होने कितने चाहिए थे एक दो तीन चार पांच छे होने चाहिए थे पर कितने हुए आपके आपके पास नंबर ऑफ जो प्लास्टिक हिंज है वो आपके चार डेवलप हुए हैं बात समय सभी को तो ऐसे क्या करते, है? करते हैं मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं ओके तो यहां पे क्या हुआ यहां पे आपके पास पूरा चैप्टर कंप्लीट और यहां से मेरी तरफ से आपका स्टिल कंप्लीट तो थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन ठीक है बच्चे ये बोलते हैं कि यूट्यूब पर कोई पढ़ नहीं पाता है है ना यूट्यूब पर सिर्फ बकैती करते हैं लोग या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या नहीं पढ़ते हैं तो लोग यहाँ थ्योरी पढ़ लेते हैं बस पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला होना चाहिए ठीक है तो जितना हो सकता था मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है और बिल्कुल हारितुराज शर्मा बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप क्या क्वेश्चन मार्क लगा दिया इन्होंने सर वो क्वेश्चन में यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा वो पार्ट वन में भी डाला है ठीक है हाँ डाल देना आप मैं देख लूंगा आज वो अभी पढ़ाला डाला जो कभी नहीं पढ़ा वाह भाई वाह भाई वाह चलो अब इसके बाद कौन सा कौन सब्जेक्ट सा पढ़ेंगे बताओ पहले इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे ठीक है गगन जी कुछ काम नहीं है तुम्हें इनको ज्यादा ही प्यार हो गया उससे ठीक है मतलब प्यार की हद होती है ना पर ये बेहद हो गया है प्यार मतलब किस टाइम क्लास ले लो सुबह ही उठ जाते हैं ये रात को क्लास लो रात को ही एक गगन सिंह जी कुछ कुछ ज़्यादा ही हो गया है मतलब तो तुम्हें डर लगने लगता है कि किस दिन रास्ते में जा रहा हूँ और मैं तो जानता नहीं हूँ इन्हें अब मैं तो जानता नहीं हूँ मुझे जानते होंगे मेरा फेस जानते होंगे पकड़ लिया हो मुझे फिर क्या होगा इन्वायमेंटल इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट से पहले मैं सोच रहा था कि आपका आपके सॉयल के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको मैं प्रोवाइड कर दूं सॉयल मैकेनिक्स के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूं ठीक है नहीं तो इन्वायरमेंट में क्या होगा मुझे थोड़ा टाइम लगेगा वाटर सप्लाई अलग करना पड़ेगा और वेस्ट वाटर अलग करना पड़ेगा ठीक है चलो मैं देख लूंगा बढ़िया बढ़िया रंजन पात्रा जी आप बताइए कैसे हैं चलो मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर और मैं देख लूंगा जो मुझे पढ़ाना है क्योंकि आप सब तो एक बातों तो में कभी सहमत होते नहीं हो कोई बोलता है इरिगेशन कोई बोलता है सर्वे कोई बोलता है सोम ठीक है जो बी टेक के एग्ज़ाम भी हैं और एसएससी भी कैसे पढ़ें तो देखो ये तो टेंशन है नहीं है आपके पास बीटेक का एग्ज़ाम को कौन तवज्जो देता है यार ठीक है अब बीटेक के एग्ज़ाम को कौन तवज्जो दे रहा है लास्ट मोमेंट पे बीटेक के एग्ज़ाम तो मतलब क्या होते हैं फुर हो जाते हैं बस एक एक एक, एक हफ्ते पहले पढ़ो निकाल दो मेन फोकस अपने इस पर रखो कि फिर बीटेक के बाद भी तो यही करना है आपको ठीक है मैं वीडियो डालवा देता हूं अभी पर आप सभी आया करो यार सपोर्ट कराया करो है ना सभी तो लगता है क्लास करवाने में दो घंटे के अंदर आपने पूरा स्टिल पढ़ लिया इतना आपने नहीं पढ़ा था और यदि आप इतना लर्न कर जाओगे ना तो आप काफी पढ़ जाओगे मतलब मैं ऐसे नहीं बोला कि सब कुछ याद हो जाएगा बट एटी क्वेश्चन बन जाएंगे यहीं से ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे ठीक है चलो मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाई जय हिंद जय भारत